नमस्कार, RCI के नवशिखर चैनल में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने आए हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ हियरिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फॉर द पेशेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। टू थ्रो मोर लाइट ऑन दिस टॉपिक वी हैव मिसेस कल्याणी सिंह, हु शी इज़ अ स्पीच एंड हियरिंग स्पेशलिस्ट। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008। आप हमारे स्टूडियो नंबर पे भी कॉल करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारा स्टूडियो नंबर है 0112651609। आप हमें फैक्स करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमारा फैक्स नंबर है 2651611। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.rehabcouncil.nic.in। आप हमें ईमेल करके भी अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशंस और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है rehabstd@ndc.vsnl.net.in। बिफोर वी शुड कंटिन्यू विद द टॉपिक, वन मस्ट नो व्हाट इज एक्चुअली हियरिंग इम्पेयरमेंट। आम भाषा में अगर हम बोलें तो हम कहते हैं लॉस ऑफ हियरिंग है या हार्ड ऑफ हियरिंग है, बट इट इज़ रिलेटेड विद द इट इज़ कंसर्न विद द पेशेंट हु इज़ अनेबल टू हेयर और इज़ वेरी हार्ड ऑफ हेयरिंग। और आजकल हमारे सोसाइटी में ऐसे लोगों को मैनेज करना, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है सोसाइटी में मैनेज करना। सो वी हैव मेनी असिस्टिव डिवाइसेस एंड हेयरिंग एड्स फॉर सच पेशेंट्स। सो मैम, काइंडली टेल अस व्हाट इज हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ओके, थैंक यू सो मच कि आज मैं इस टॉपिक पर बताने जा रही हूँ आपको। और आज जो मैं टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, असेसमेंट ऑफ हियरिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइस फॉर द पर्सन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट है क्या। कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ द एबिलिटी टू हियर फ्रॉम वन और बोथ ईयर्स। देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। इट कैन बी माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। अब यहाँ पर आप देखोगे देर इज़ ग्राफ एंड इसमें जो है देर इज़ थ्री काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसी। इस ग्राफ में जो 250-500 है ये है लो फ्रिक्वेंसी, और मिड फ्रिक्वेंसी जो आप देख रहे हैं 1K, 2K और हाई फ्रिक्वेंसी 400-8000। इधर जो आपका जो है फ्रिक्वेंसी इधर जो है वो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस यानी कि जो नॉर्मल हियरिंग होता है वो 0 to 20 decibel के अंदर आएंगे जो नॉर्मल हियरिंग लॉस होंगे, नॉर्मल हियरिंग होंगे। एंड 20 to 40 तक आएंगे वो माइल्ड हियरिंग लॉस होगा। 50 to 55 आएगा मॉडरेट, 55 to 70 जो होंगे मॉडरेट, एंड 70 to 90 सीवियर, एंड आफ्टर 90 दैट इज़ परफॉर्म। सो दिस इज ग्राफ सेज विच काइंड ऑफ हियरिंग पर्सन इज हैविंग, विच टाइप ऑफ हियरिंग पर्सन इज हैविंग, विच काइंड ऑफ डिग्री। मैम, कैन वी से लाइक कि एज वी से पॉपुलेशन अगर हम देखें इंडिया की, तो हाउ मेनी पर्सन्स कैन वी हैव इन डाटा कि कितने पर्सन्स हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं आजकल। एक्चुअली हम कुछ नहीं, जैसे कि अगर जो बहुत सारे इसमें देखोगे तो देखा जाता है कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, हार्ड ऑफ हियरिंग बहुत लोगों में पाया जाता है, खासकर बच्चे इसके काफ़ी शिकार हैं। और बच्चों में ये चीज़ देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है उन्हें बचपन से ये हार्ड ऑफ हियरिंग होता है, कम सुनाई देने के कारण उनके लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो अपने भाषा को डेवलप नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो जाता है कि शायद बच्चा डेवलप करेगा, लेकिन एक्चुअल काउज क्या होता है कि वो सुन नहीं पाता इसलिए डेवलप नहीं करता। तो जनरली क्या होता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन वो चीज़ ग्रामीण एरिया जो रूरल एरियाज़ होते हैं उसको कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाता है कि डाटास इस चीज़ में, तो मोस्ट ऑफ थिंग वी आर सीइंग कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इट इज़ अकरिंग मोर एंड मोर नाउडेज। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। देर आर थ्री बेसिक टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, कंजक्टिव हियरिंग लॉस, मिक्स हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंडक्टिव हियरिंग लॉस। एक्चुअली व्हाट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस? कंडक्टिव हियरिंग लॉस एज वी नो विल मैं आपको बाद में बताऊंगी
डायग्राम से भी कि कैसे हमारे कान के तीन हिस्से में हमारे कान बटे हुए होते हैं, बाहर के हिस्से होते हैं, बीच के हिस्से होते हैं और अंदर के हिस्से होते हैं। तो अगर जो हमारे कान के बीच के हिस्से में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम ये असेस करते हैं कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस जब भी होगा तो हो सकता है कि मेडिकली या सर्जिकली वी कैन करेक्ट टू दिस। Okay, now I'll talk about the conductive hearing loss. Conductive hearing loss occurs when sound is not conducted efficiently through the outer ear canal to the eardrum and the tiny bones of the middle ear. Conductive hearing loss usually involves a reduction in sound level or the ability to hear faint sound. This type of hearing loss can often be correctly medically or surgically. जनरली कंडक्टिव हियरिंग लॉस बहुत सारे जगह मैंने देखा है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, फिर भी हियरिंग एड्स लोग लगाते हैं। बट ज़्यादा बेनिफिट यही होगा कि अगर जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस असेस किया जाता है, असेसमेंट के द्वारा पता चलता है कि इसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, तो बेटर है ENT की सलाह लेकर के या तो मेडिकली और या तो फिर सर्जिकली जैसे भी एडवाइस करेंगे हमें उसे करेक्ट करना चाहिए। हम कह सकते हैं मैम कि ये इनिशियल स्टेज होता है जहाँ से इम्पेयरमेंट स्टार्ट होती है। हाँ जी, वी कैन से लाइक कि यहाँ से इम्पेयरमेंट स्टार्ट होती है, अगर हम यहीं पे डायग्नोस कर लेते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। या दैट्स ट्रू, बिकॉज जब भी हमें अर्ली स्टेज में पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है और उसी के उसको हम क्योर कर लेते हैं तो वो क्रॉनिक नहीं होता। एक्यूट कंडीशन में भी हम उसको क्योर कर लेंगे। और जहाँ तक बच्चों का विकास के संबंधित है, जहाँ लैंग्वेज का विकास होना है, भाषा का विकास होना है और वहाँ पर उनका बैरियर हियरिंग है जिसके कारण वो काफ़ी बारीक चीज़ को नहीं सुन पाते हैं और नहीं उसका डेवलपमेंट हो पाता है, विकसित नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पे मैं करना चाहूँगी कि जितना जल्दी डिटेक्ट करके उन्हें उसका ट्रीटमेंट कराया जाए उतना उनके लिए, उनके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा। मैम ये मिनिमम किस एज तक पेरेंट्स को मतलब कंसर्न रहना चाहिए कि कब तक पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ को नोटिस करना, या कोई एक एज लिमिट हो इसका कि इस एज तक अगर ये सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं या ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो हमें पता चल रहा है कि मेरे चाइल्ड को एक हियरिंग लॉस है, तो व्हाट इज द एज एंड एज ग्रुप? या आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं बताना चाहूँगी। जब भी हम बच्चे को देखते हैं तो नॉर्मल बच्चे और जो भी जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उनमें अगर जो थोड़ा सा भी चेंजिंग दिखता है, जैसे कि हमारे नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके सामने अगर जो हम तालियों की आवाज़ देंगे या फिर कुछ भी टॉयज़ की आवाज़ देंगे तो वो रिएक्शन करेंगे। अगर जो बच्चा नहीं रिएक्ट कर रहा है तो क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है? कहीं ना कहीं वह उस समय हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, ना कि वेट करने की ज़रूरत है। सेकेंड, मैं बताना चाहूँगी जब बच्चों का विकास होना शुरू होता है, जैसे कि बच्चे 6 महीने में बैबलिंग करना शुरू करते हैं, कुइंग शुरू करते हैं, कुछ कुछ बब्बा पप्पा बोलना शुरू करते हैं, अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो क्यों नहीं बोल रहा है? तो हमें सावधान हो जाने की ज़रूरत है और हमें आगे कैसे उसका उपाय किया जाए हमें आपस में पूछना चाहिए, हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टरों की एडवाइस लेनी चाहिए। सतर्कता होना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है आपका बच्चा ठीक भी हो और नहीं है तो ये बच्चे के काफ़ी बेनिफिट में आएंगे। दूसरा जो मैं आपको बताना चाहूँगी, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस अकर व्हेन देयर इज डैमेज टू द इनर ईयर और टू द नर्व पाथवे फ्रॉम द इनर ईयर टू द ब्रेन। मोस्ट ऑफ द टाइम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कैन नॉट बी मेडिकली और सर्जिकली करेक्टेड। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ परमानेंट हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस रिड्यूस द एबिलिटी टू हियर फेंट साउंड। इवन वेन स्पीच इज लाउड इनफ टू हियर, इट मे स्टिल बी अनक्लियर और साउंड मफ्ड। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में बहुत अंतर है। कनेक्टिव हियरिंग लॉस, जहाँ पर आपको मैंने बताया कि जो मिडिल ईयर में अगर जो प्रॉब्लम होता है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस डेवलप होता है। बट व्हेन इट इज़ प्रॉब्लम इन इनर ईयर, आई मीन वेयर इट इज़ कॉक्लिया इट इज़ अवेलेबल, ओके, इफ़ देयर इज़ डैमेज ऑफ हेयर सेल, इफ़ डैमेज ऑफ द नर्व सेल्स, सो देयर इज़ प्रॉब्लम occurring for the sensory neural hearing loss. And one thing I can say, if sensory neural hearing loss is there, that means it's very difficult to correct by the medically or surgically. Only one solution it is left over there, ki hum sirf hearing aid ya cochlear implant ke dwara hi uska samasya ka treatment kar sakte hain.
समझ वो बन कर सकते हैं. और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, उसी को हम एसएन हियरिंग लॉस भी कहते हैं. ये आम भाषा में कहा जाता है कि कान के अंदर वाले भाग में नस सूख जाने के कारण होता है, या फिर जो हेयर सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. मैम, कैन वी से दैट दैट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इज द एडवांसमेंट ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस? No, we can't say like that. क्योंकि conductive hearing loss जो है that is like we are having part of hearing. We are having outer ear, middle ear and inner ear. Outer ear if it is having problem, middle ear if it is having problem, so that part only we can say conductive hearing loss. But sensory neural hearing loss if कान के अंदर में, अगर जो कान के अंदर में जो हमारा cochlea है, organ of corti है, वहाँ पर अगर जो hair cells absent रहते हैं तो that, so the, we can't mix for the conductive hearing loss and sensory hearing loss, both are very different. Here, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी mixed hearing loss. Sometime a conductive hearing loss occurs in combination with a sensory neural hearing loss. In other words, there may be damage in the outer or middle ear and in the inner ear or auditory nerve. When this occurs, the hearing loss is referred to a mixed hearing loss. यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी मिक्स्ड हियरिंग लॉस. मिक्स्ड हियरिंग लॉस मीन्स क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. अगर जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस यानी कि कान के बीच के हिस्से में भी प्रॉब्लम हो और कान के अंदर वाले हिस्से में भी प्रॉब्लम हो, इस दोनों भाग में अगर जो दिक्कतें होती है तो हम उसको मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं. और उस समय हमें देखना पड़ता है ग्राफ के द्वारा, जो ग्राफ मैंने अभी आपको बताया मिड फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी. इस फ्रिक्वेंसी में वी हैव टू सी कि गैप कहाँ ज़्यादा है. मिड कंडक्टिव हियरिंग लॉस में ज़्यादा है और एसएन हियरिंग लॉस में ज़्यादा है, यानी कि कान के बीच वाले हिस्से में ज़्यादा है और कान के अंदर वाले हिस्से में ज़्यादा है. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कान के जो हियरिंग लॉस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं. हियरिंग लॉस तीन तरह के जो होते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होते हैं, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होते हैं और मिक्स्ड हियरिंग लॉस होते हैं. कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो होता है कान के बीच के हिस्से में दिक्कत होता है और इसे मेडिकली या सर्जिकली करेक्ट किया जाता है. हो सकता है कान के अंदर में वैक्स भी हो, वैक्स के कारण भी कभी कभी कानों में प्रॉब्लम हो जाती है या इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. तो जब भी आपको लगे कि कान के बीच के हिस्से में कोई प्रॉब्लम है या आपको असिस्ट करके ऑडियोलॉजिस्ट या ENT डॉक्टर बताएं, तो आपको ज़रूरत है कुछ मेडिकली ट्रीटमेंट की. सेकेंड जो मैंने आपको बताया था सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में जब भी आपको डिटेक्ट किया जाए कि प्रॉब्लम है, उस समय आपको अगर जो, क्योंकि बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है कि बहुत ज्ञान नहीं होने के कारण लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, लोग उसके लिए भी दवा बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत है हमें जागरूक होने की. जब भी कान के अंदर में प्रॉब्लम हो तो हम उसको एम्पलीफिकेशंस यानी कि हियरिंग एड और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कॉकलियर इम्प्लांट, जैसे भी ऑडियोलॉजी सजेस्ट करते हैं हमें वैसा ही सहायता लेनी चाहिए. मैम, हम ये कह सकते हैं कि सेंसरी न्यूरल एंड मिक्स्ड हियरिंग लॉस में हम बेसिकली हियरिंग एड का यूज़ करते हैं. हम किस बेसिस पे असिस्टिव डिवाइस को क्लासिफाई करेंगे? अगर हम टाइप्स ऑफ हियरिंग की बात करें तो ऑन व्हाट बेसिस द क्लासिफिकेशन ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस आर बेस्ड? हाँ, मैं वो आपको आगे बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन ऑफ असिस्टिव डिवाइस कैसे है. अभी जो मैं मेन फोकस कर रही हूँ वो मैं आपको हियरिंग एड्स पर फोकस कर रही हूँ. कि असिस्टिव डिवाइस जो है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, दैट जब हम हियरिंग एड यूज़ करना शुरू करते हैं, एंड मोस्टली आई कैन से असिस्टिव डिवाइस वी कैन यूज़ फॉर द एसएन हियरिंग लॉस, हु इज़ यूजिंग द हियरिंग एड्स एंड हु दैट पर्सन जिसको हियरिंग लॉस है और उसे कोई भी मेडिकली और सर्जिकली बेनिफिट नहीं होता है, उन्हें ही हम असिस्टिव डिवाइस यूज़ करने का सलाह देते हैं. एंड मैम, मिक्स्ड हियरिंग लॉस में जैसे आपने बताया कि उसमें हमारा जो ईयर का इंटरनल पार्ट जो होता है वो डैमेज हो जाता है, तो उस केस में क्या सर्जिकली या मेडिकली उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता? हाँ, यहाँ पे सेम चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस हमें सबसे पहले देखना पड़ता है जो हमारा PTA है, पियोटोन ऑडियोमीटर का जो हमारा ग्राफ है, इन दैट वी हैव टू सी, जो कि थोड़ा सा बैक मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि मैंने ये
जो कि मैंने ये ग्राफ आपको दिखाया था, अगर जो मिक्स्ड हियरिंग लॉस में एबीजी गैप यानी कि एयरबोन गैप जो होता है मोर देन 40 अगर जो आता है, तो उस केस में हम देखेंगे कि कहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है, कान के बीच वाले हिस्से में ज़्यादा दिक्कत है और अंदर वाले हिस्से में। अगर जो बीच में ज़्यादा दिक्कत है तो फिर मेडिकली सर्जिकली उसको क्योर किया जा सकता है, बट इट इज़ मोर देन एबीजी गैप कम आ रहा है और अंदर वाले हिस्से में दिक्कत है, तो ऑफकोर्स अगर जो ईयर डिस्चार्ज नहीं है, कान में इन्फेक्शन नहीं है, तो वी कैन सजेस्ट फॉर द हियरिंग एड इन दैट केस। एंड वी हैव टू सी द एज ऑल्सो, इफ इट इज एज इज अबव 50, अबव 60, अबव 55, इन दैट केस में कान अगर जो ड्राई है तो हम हियरिंग एड के लिए सलाह देते हैं। मैम ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है? हाँ, एक्चुअली जो हियरिंग लॉस होता है वो कॉन्जेनाइटल भी होता है और एक्वाइर्ड भी होते हैं, ठीक है। कॉन्जेनाइटल जो होता है बाय बर्थ होता है, एक्वायर्ड जैसे कि मान लिया जाए कभी कभी देखा जाता है निमोनिया होने के कारण या फिर मिजल्स होने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण, बहुत ज़्यादा नॉइज अगर जो हो गया उसके कारण, तो काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि एक्वायर्ड कर जाता है बाय एक्सीडेंट ऑल्सो। सो इन दोज कॉजेस कैन बी इट इज़ एक्वायर्ड, कैन बी कॉन्जेनाइटल। एक्वायर्ड अगर जो है तो किस कॉज से है, तो देयर इज़ लिटिल बिट चांसेज इन एक्वायर्ड कैन बी करेक्टेड, बट कॉन्जेनाइटल we have to go for like treatment surgery and after that and level is depend which kind of loss level. Is there, yes. Which kind of like type is there, after that only we can decide whether it has to go for what. तो अब तक हमने देखा कि टाइप्स ऑफ हियरिंग क्या होती हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, हियरिंग लॉस किस टाइप का होता है। हमने अब तक तीन टाइप के हियरिंग लॉस के बारे में पढ़ा, दैट इज़ कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड द मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अब हम आगे इसके बारे में जानेंगे कि हमें किस किस तरह के हियरिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस इन टाइप के लॉस, इस टाइप के हियरिंग लॉस में अप्लाई करने चाहिए। सो मैम प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू। अभी हम देखेंगे कि हियरिंग इन आर लाइफ यानी कि हियरिंग का सुनना हमारे लाइफ में कैसे ज़रूरी है। एक्विजिशन ऑफ नॉर्मल लैंग्वेज एंड स्पीच स्किल, रिसीविंग इनकमिंग मैसेजेस एज ए लिसनर, हेल्प टू मॉनिटर वंस ओन स्पीच एज ए स्पीकर एंड स्पीच ऑफ अदर एज लिसनर, लाइफ सेविंग सिग्नल्स। यानी कि जनरली हमें सुनना क्यों ज़रूरी है, वाई हियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन आर लाइफ। अगर जो हम एक लेमैन को भी बोलेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ बता देंगे, ठीक है। पहले अगर जो हम जानना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि अगर जो जैसे कि मान लिया जाए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, अगर जो कोई पंजाबी है या फिर अगर जो इंग्लैंड में कोई बच्चा जन्म लिया है या फिर कोई बंगाली जन्म लिया के घर में बच्चे पैदा होते हैं, तो बंगाली भाषा कैसे डेवलप करते हैं। अगर जो कोई फॉरेन में पैदा हुआ है तो इंग्लिश कैसे डेवलप करता है, पंजाबी कैसे डेवलप करता है, तो लैंग्वेज डेवलप कैसे होता है। ऑफकोर्स जब हम सुनते हैं, जिस चीज़ को हम अपने एनवायरनमेंट में सुनते हैं उसको सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर जब समझते हैं उसके बाद हम उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये मेल का आवाज़ है, ये फीमेल का आवाज़ है, ये डोरबेल का आवाज़ है और ये टेबल टैप का आवाज़ है। तो ये सारा प्रोसेस तभी होता है जब हियरिंग हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, हमारे नर्व उसको सेंसिटिव करती है, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज के एक्वाइजेशन के लिए हमारी हियरिंग का होना, हमारे हियर का होना, हमारे हमें सुनना बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ जो है, जब हमसे कोई कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि कुछ भी चीज़ अगर जो होता है, कुछ भी चीज़ हमें सुनना होता है, तो हम रिप्लाई भी तभी कर सकते हैं, उनका जवाब भी तभी दे सकते हैं जब हम सुनेंगे, ठीक है। तीसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ तो मुझे अपना इंटोनेशन, सुप्रा सेगमेंट्स यानी कि आवाज़ कितना तेज़ रखना है, आवाज़ को कितना कम रखना है, हमें कौन से सिचुएशन में चिल्ला के बोलना है, कहाँ धीरे से बोलना है, कहाँ सॉफ्ट बोलना है, कहाँ हमें मेलोडी बोलना है, तो दिस ऑल थिंग हाउ वी आर डूइंग इट। ऑफ़ कोर्स वी आर मॉनिटरिंग आवर वॉइस, यानी कि हम अपने आवाज़ को खुद मॉनिटर करते हैं और उसी के द्वारा हम अपने सोसाइटी में मेंटेन करते हैं कि हमें कैसे अपना स्पीच बोलना है। तो इट्स नॉट हम लोग स्पीच को करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, नो, वी आर हियरिंग आवर वॉइस एंड हियर करके, सुन करके हम अपने वॉइस को मॉनिटर करके उसको करेक्ट करते हैं। ओके,
अब तक हमने देखा, अब तक हमने मैम ने हमें बताया कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, टाइप ऑफ हियरिंग लॉसेस क्या होता है, हमें सुनना क्यों ज़रूरी होता है, तीन टाइप के हियरिंग लॉसेस हमने अभी तक जाना. अब हम आगे इसके आगे ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे. सो वी विल मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. Thank you.
वेलकम बैक टू आवर शो. ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे असेसमेंट ऑफ हियरिंग एड्स एंड द असिस्टिव डिवाइसेस फॉर द पेशेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट. हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं. बेसिकली हमने तीन टाइप्स के बारे में जाना, दैट इज़ कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड द मिक्सड हियरिंग लॉस. हमने ये भी जाना कि सुनना क्यों ज़रूरी होता है. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-112-008. हमारा स्टूडियो नंबर है 2651-609. आप हमें फैक्स करके भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं. हमारा फैक्स नंबर है 2651-611. आप हमें ईमेल करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है rehabstd@ndc.vsnl.net.in. इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैम, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ईयर. हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ह्यूमन ईयर का फंक्शन जो है, देर इज़ टू काइंड ऑफ ह्यूमन ईयर फंक्शन. देर इज़ बैलेंसिंग. हम इसको जैसे कि एक तो हियरिंग का काम करते हैं एंड दूसरा जो है बैलेंसिंग का काम करता है. जो सेमी सर्कुलर केनाल होते हैं इनर ईयर में, सेमी सर्कुलर के नाम इनर ईयर में जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है बैलेंसिंग करना. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी ह्यूमन ईयर हैज़ टू फंक्शन. फर्स्ट हियरिंग. द ह्यूमन ईयर हेल्प अस इन अवेयरनेस, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ साउंड स्टिमुली. सेकेंड इज बैलेंसिंग. द सेमी सर्कुलर के नाल हेल्प अस मेंटेनिंग द बैलेंस. अब आपको मैं बताऊंगी ईयर के बारे में कि हमारा ईयर का एनाटॉमिकल कैसा होता है. यहाँ पर आप देख रहे हैं ईयर. दिस इज़ फुल डायग्राम ऑफ आवर ईयर. ओके, ये इसमें आप देखेंगे ये जो है हमारा कान का बाहर वाला हिस्सा है जो कि आप हमेशा देखते हैं. ठीक है, इस हिस्से को, जो बाहर वाला हिस्सा है, उसको हम पिन्ना बोलते हैं. ठीक है, और इसके बाद जो ये नली जैसा जो देख रहे हैं, नली जैसा जो है, ये है एयर केनाल. ठीक है, ये वाले हिस्से जो आते हैं ये सारे आउटर ईयर में आते हैं. अब यहाँ आप देखोगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि मिडिल ईयर में आता है. उसके बाद आप ये जो देखोगे मिडिल ईयर कैविटी, मिडिल ईयर कैविटी के बाद आप देखोगे ये जो है ऑसिकल्स हैं. ऑसिकल्स में जो होते हैं थ्री बोन्स होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्सिस. ओके, इसमें आप देखोगे मेलियस जो होता है सबसे बड़ा बोन होता है. और मैं आपको जस्ट बता दूं, मेलियस जो होता है सबसे बड़ा बोन होता है, स्टेपिस जो होता है ये सबसे छोटा बोन होता है और ये बीच का होता है. यहाँ जो इस वाले पार्ट को आप देख रहे हो ये जो है टेम्पोरल बोन. उसके बाद जो आप यहाँ देख रहे हो सेमी सर्कुलर केनाल, जो कि मैंने आपको बताया सेमी सर्कुलर केनाल जो होता है वो कान के अंदर होता है. उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वो कॉक्लिया नर्व है. ये जो घुमादार पार्ट देख रहे हो शेक से जैसा, ये कॉक्लिया है. दिस इज ऑडिटरी ट्यूब एंड यहाँ पर जो है ये मिडिल ईयर कैविटी. ओके, तो ये मैंने आपको पूरा एनाटॉमी बताया. इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जो आप देख रहे हो जो पिन्ना है ये यहाँ तक हिस्सा आउटर ईयर है. ये जो हिस्सा जो आप देख रहे हो ये मिडिल ईयर. और ये सारे जो कवर होते हैं ये वाले जो होते हैं कान के अंदर वाले हिस्से में. यानी कि अगर जो कान के बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम होते हैं उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं. यानी कि ये जो बीच वाले भाग जो आपको नली जैसा शेप में दिख रहा है इस भाग में प्रॉब्लम होता है तो ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है. ये कॉकलिया जो कान के इनर ईयर में आता है इसमें प्रॉब्लम होते हैं तो हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. इफ़ देयर इज़ प्रॉब्लम इन बोथ दैट मीन्स वॉट, अगर जो कान के बीच में भी प्रॉब्लम है, कान के अंदर में भी प्रॉब्लम है, तो हम इसे मिक्स्ड हियरिंग लॉस बोलते हैं. अब यहाँ पर आप देख रहे हो हेयर सेल्स यानी कि कॉकलिया का, जैसे कि होता क्या है कि यहाँ पर जो कॉकलिया है ये कॉकलिया में हेयर सेल्स होते हैं. हेयर सेल्स के ही हेयर सेल्स स्टिमुलस जब होता है तभी हमारा हियरिंग होता है. यहाँ पर आप देख रहे हो कि हेयर सेल्स प्रेजेंट है. ये ब्लैक वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये हेयर सेल्स हैं. बट किसी किसी केस में देखा जाता है ये हेयर सेल्स जो होते हैं ये एबसेंट होते हैं. व्हेन देयर इज एबसेंट ऑफ हेयर सेल, नो हेयर सेल्स, दैट मीन्स उसके हियरिंग में प्रॉब्लम
होगा और हियरिंग लॉस होने की पूरी संभावना होती है. मैम नॉर्मली जैसे कि लेमैन टर्म में अगर मैं बात करूँ लेमैन लैंग्वेज में तो जैसे रूरल बैकग्राउंड में बोला जाता है कि कान का पर्दा फट गया है तो इस वजह से सुनाई नहीं दे रहा, तो ये किस पार्ट से रिलेटेड है और क्या कंसर्न होता है इसमें? मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं थोड़ा सा पिक्चर को बैक ले जाऊँगी और बताना चाहूँगी आपको. आप ये जो देख रहे हो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो है हमारा जो कान के बाहर वाले हिस्से यानी कि जो बाहर वाले हिस्से के नली जैसा जो दिख रहा है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के द्वारा ही क्या होता है कि एक टाइप का वो दीवार है, ठीक है, अगर जो मैं आपको बताना चाहूँ दीवार है जो कि कान के अंदर वाले हिस्से और बीच वाले हिस्से के बीच में रहता है, यानी कि इसको कान का पर्दा हम बोलते हैं, ठीक है. तो ये वाला जो भाग है अगर जो इसमें थोड़ा सा छेद हो जाता है, होल हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं इट इज़ रेफ्चर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि कान का पर्दा फट गया. सपोज अगर जो हम इसको यहाँ पर होल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में इधर भी चला जाएगा, यानी कि एयर इट विल स्टार्टेड पासिंग, फ्लूड इट विल स्टार्टेड पासिंग, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द हियरिंग. नॉर्मल जैसे हमें पेन होता है, जैसे इफ अ पर्सन इज हैविंग पेन, ईयर में पेन हो रहा है, तो उसके रीजंस हो सकते हैं मे बी वैक्स एक्यूमुलेट हो गया है या डायरेक्टली एसोसिएटेड विद कि हमें कोई हियरिंग लॉस हो रहा है. मैम जैसे आजकल कॉमनली देखा जाता है ईयरफोन्स, रिसेंट हमारा जो यूथ है वो ईयरफोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी ऑर्गन्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और किस तरह से पड़ता है? यह मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बहुत अच्छा पूछा यहाँ पे कि हमारे जो कान में आजकल बहुत टाइम तक देखते हैं कि ईयरफोन लगा के घूमते हैं, या फिर कान के पर्दे अगर जो फट गए तो कैसे प्रॉब्लम हो सकता है. सपोज अगर जो किसी को कान में पेन हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको हियरिंग लॉस ही हो गया. पेन होने का बहुत सारा कारण हो सकता है, देयर इज लॉट्स ऑफ कॉजेज. मे बी उसे हो सकता है कि वैक्स हो, कोई इम्पैक्टिव वैक्स होता है, कोई जमा हुआ वैक्स होता है, कोई रिमूवल वैक्स होता है, या हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन. कभी कभी आप देखोगे कि आपको सर्दी खांसी हो रहा है और आपके कान में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो देर इज स्टिनियल ट्यूब जो कि हमारे कनेक्शन भी है उसके थ्रू, और उसे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है. सेकेंड थिंग, अगर जो इंटेंसिटी ज़्यादा है, कोई भी आवाज़ ज़्यादा हमारे कानों में जा रही है, तो दैट कैन बी वन कॉजेज ऑफ हियरिंग लॉस. यानी कि आप ज़्यादा समय तक अपने कानों को आवाज़ दे रहे हैं ईयरफोन के द्वारा, क्योंकि ईयरफोन जो होता है डायरेक्ट हमारे कानों में आवाज़ जाती है, एनवायरमेंट से नहीं जा करके, डायरेक्ट इट इज़ गोइंग टू आउटर ईयर एंड डायरेक्ट इट इज़ गोइंग टू मिडिल ईयर, देन इट इज़ ट्रैवलिंग आउट. सो किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना ये कानों के लिए हमारे डेंजर साबित हो सकते हैं. अब आगे मैं आपको बताना चाहूँगी हम सुनते कैसे हैं. जनरली हम लोग सबके दिमाग में ये चीज़ बहुत जाता है, इट्स वेरी क्यूरियोसिटीज हाउ वी हियर, कैसे सुनते हैं हम. तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें जैसे कि आपने देखा कि आउटर ईयर इनर ईयर में काफ़ी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो ये जो आउटर है यानी कि एनवायरमेंट से, जैसे कि कोई भी आवाज़ अगर जो आता है एनवायरमेंट से, तो ये जो साउंड है इसको मैकेनिकल एनर्जी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स व्हाट साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, फिर वो कहाँ जाता है, वो ट्रेवल करता है आउटर ईयर में, देन इट इज़ रीचिंग टू द मिडिल ईयर, यानी कि ऑसिकल्स हमारा जहाँ था, जहाँ हमारा बोन था, उसके बाद ऑसिकल्स में आकर के मिडिल ईयर में आकर के ये जाता है हमारे कान के अंदर वाले हिस्से में जहाँ की कॉक्लिया प्रेजेंट होते हैं, कॉक्लिया, नर्व सेल्स एंड हेयर सेल्स. ओके, देन आफ्टर दैट द लास्ट थिंग व्हाट इज हैपनिंग, इट इज़ गोइंग टू आर ब्रेन, एंड फ्रॉम देयर हमारा जो होता है सेंसेशन उत्पन्न होता है, और जिसके द्वारा कि जिस प्रोसेस से हम सुनते हैं. यहाँ मैं आपको बताती हूँ, पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे हम सुनते हैं. साउंड इज ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इट इज़ देन ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑसिकल्स टू द इनर ईयर, वेयर इट इज चेंज्ड अगेन इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी फॉर ट्रांसमिशन थ्रू द फ्लूइड फिल्ड कॉक्लिया, यानी कि जो हमारा the cochlea's hair cells are stimulating by the fluid wave and a neurological events take place that exist the nerves of hearing.
The physical characteristic of the organisms, sounds are preserved at every energy changes along the way until this code becomes on the brain can recognize and process. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो travel of साउंड यानी कि हमारे कान में जो आवाज़ आती है वो कैसे ट्रेवल करता है. आपने इसको देखा, बड़ी मज़ेदार सी बात है अगर जो आप अच्छे से इसको समझेंगे तो. हमारे जैसे कि कोई भी एनवायरनमेंट से आवाज़ आती है, मान लीजिए एनिमल्स की आवाज़ आती है, तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जो आवाज़ है ये डॉग का है, ये काउ का है. या दिस ऑल प्रोसेस इज हैपनिंग इन आर ईयर. बहुत सेकेंड से भी कम टाइम में, बहुत क्षणिक टाइम में ये हैपन होता है. बट इट इज़ रियली बिग थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन आर ईयर. जैसे कि कोई भी आवाज़ अगर जो आता है, साउंड आता है, तो हमारे आउटर ईयर में जाकर के वो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में. देन इट इज़ गोइंग टू द मिडिल ईयर एंड इट इज़ इन देयर ऑसिकल्स आर देयर. आफ्टर दैट जैसे कि मैंने आपको बताया कॉकलिया है, वहाँ पर फ्लूइड्स होते हैं, तो जो वहाँ पर फ्लूइड्स के कारण जो हाइड्रोलिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं. आफ्टर दैट दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. कॉकलिया में जो हेयर सेल्स होते हैं इसके द्वारा फिर वो स्टिमुलेट करते हैं, जैसे स्टिमुलेशन उसके होते हैं, स्टिमुलेशन करके वो जो इलेक्ट्रोड होते हैं यानी कि वहाँ पर जो सर्कमस्टांसिस होते हैं, वो नर्व सेल्स जो होता है उसको ब्रेन में वो मैसेज पहुँचाता है. एंड आफ्टर दैट दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फियरिंग. इस ये सारे ट्रेवलिंग के बाद हम वी आर हम लोग सुनते हैं. मैम हम ये कह सकते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है ये वेरी करता है, मतलब जिस इंटेंसिटी से एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस हो रहा है क्या हम उतनी ही इंटेंसिटी सुन पाते हैं या वो फर्दर फिल्ट्रेट होके हम जो सुनते हैं दैट इज़ द फिल्ट्रेट वन, और यू कैन से कि वही सेम इंटेंसिटी हम सुनते हैं. सेम इंटेंसिटी हम लोग सुनते हैं जो भी हमें प्रोड्यूस होता है इफ़ वी आर हैविंग नॉर्मल हियरिंग विद इन अस. ओके तो फिर हमारी जो भी इंटेंसिटी है उसकी गैप नहीं होती है. बट अगर जो ट्रैवलिंग के बीच में हमारे ऑसिकल्स में प्रॉब्लम हो, हमारे हेयर सेल्स में प्रॉब्लम अगर जो होता है, दैट टाइम ऑफ कोर्स इट विल बी इन्वेस्टमेंट एंड दैट इट विल बी गैप ऑफ इंटेंसिटीज. ओके सो वी कैन से दैट दिस इज़ वन ऑफ द कॉज और वी कैन सिम्टम कह सकते हैं कि जब हमें जितनी इंटेंसिटी में साउंड प्रोड्यूस हो रही है और अगर उतनी इंटेंसिटी में सुनाई नहीं देती तो दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट. दैट्स आई कैन गिव यू द एग्जांपल फॉर दैट. जैसे कि टीवी का वॉल्यूम है, अगर जो वो इंटेंसिटी तो सेम होती है सबके लिए, लेकिन जो नॉर्मल हियरिंग वाले होते हैं वो कभी कंप्लेंस नहीं करते हैं कि टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा करो. बट हार्ड ऑफ हियरिंग जो होते हैं वो हमेशा वॉल्यूम को अप डाउन करते रहेंगे. बिकॉज वाई द ट्रैवलिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द ईयर वो प्रोसेस ठीक नहीं हो पा रहा है और उनको वो इंटेंसिटी उतनी नहीं पहुँच पा रही जितने इंटेंसिटी से उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है. मैम फिर जो हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट्स होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम सोसाइटी में फेस करनी पड़ती है? मतलब नॉर्मल हियरिंग वाले पेशेंट्स दे कैन ईजली जेल अप विद द सोसाइटी, ईजली जेल हो जाते हैं, बट द पर्सन हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है हमारी सोसाइटी में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी जो हार्ड ऑफ हियरिंग है एक्चुअली दे आर वेरी सैड इन देयर सेल्फ. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन क्लासरूम व्हेन एनी चाइल्ड इज़ आस्किंग क्वेश्चन एंड चाइल्ड इज़ नॉट गेटिंग रिप्लाई, तो उसी समय से उसको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होना शुरू होता है कि क्यों जो दूसरे हमारे क्लासमेट कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब मिल जाता है और नहीं जो मैं पूछता हूँ तो क्यों नहीं मिलता. सेकेंड थिंग आई विल से यू सोसाइटी ऑल्सो दे यूज़ टू इग्नोर बिकॉज एवरी वन यूज़ टू थिंक कि मैं एक बार बोल रहा हूँ वो जवाब नहीं दे रहा, क्यों मैं रिपीट करूँ, जिस इस चीज़ को रिपीट करना का क्यों जरूरी. तीसरा चीज़ जो है ओरल रिग्रेशंस, दैट मीन्स व्हाट उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो चीज़ काफ़ी लैक हो जाता है, तो उनके विचारों का आदान प्रदान होना बहुत मुश्किल हो जाता है. यानी कि जो उनके अंदर टैलेंट होते हुए भी वो अपने आप को सोसाइटी में काफ़ी पिछड़ा हुआ समझने लगते हैं कि हम अपने चीज़ों को बता नहीं पा रहे हैं, हम जो जानते हैं उसको काफ़ी अच्छे से बताते हुए भी उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इमोशनल एंड लैक ऑफ इंट्रैक्शंस फ्रॉम सोसाइटी दोज ऑल प्रॉब्लम ऑफ कोर्स दे आर गेटिंग इट. तो अब तक हमने मैम ने हमें जैसा बताया हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती है हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट्स को. सो और क्या क्या बेसिकली एनाटमी होता है, किस तरह से हमें सुनता है, हमें डेली डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे साउंड्स बहुत सारे वॉइसेस बहुत सारे
हर तरह के साउंड सुनते हैं, बट वो किस तरह से सुनते हैं आज हमने इस मैकेनिज्म के बारे में जाना, और किस तरह से एक हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट्स को सेंसिटिवली ट्रीट करना चाहिए, ना कि हमें उनसे इरिटेट होना चाहिए. सो मैम काइंडली कंटिन्यू विद द टॉपिक. थैंक यू. अभी मैं आपको बताऊंगी हियरिंग जो डेफिनेशन होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट का, मे बी डिफाइंड एज ए इनएबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू परफॉर्म डे टू डे कम्युनिकेशंस विथ और विदाउट एम्पलीफिकेशन. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, हियरिंग डिसेबिलिटी मीन्स लॉस ऑफ 60 डिसेबल और मोर इन द बेटर ईयर इन द कन्वर्सेशन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. दैट मीन्स हियरिंग इम्पेयर्ड मीन्स दैट नथिंग कि उसको पूरा कंप्लीट लॉस है. हो सकता है कि उसको माइल्ड भी है, मॉडरेट भी है, सिवियर भी है, परफॉर्म्ड भी है. तो दैट इज डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. अगर जो थोड़ा सा भी हार्ड ऑफ हियरिंग है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहीं पर भी, खासकर रूरल एरिया या किसी भी एरियाज में, अगर जो आपको पता चलता है कि उन्हें हार्ड ऑफ हियरिंग है, उन्हें सुनने में दिक्कत हो रहा है, तो उन्हें जितना जल्दी कंसल्ट करके एम्पलीफिकेशन या किसी के द्वारा अगर जिसको क्योर कर सकते हैं तो हमें उन्हें ऐसा ही एडवाइस देना चाहिए. अभी जैसा कि आपने पूछा था मुझसे कि इफेक्ट ऑफ हियरिंग लॉस क्या है, यानी कि हियरिंग लॉस का क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे जीवन में. हियरिंग लॉस अफेक्टेड डेली लाइफ, डिफिकल्टी इन कनेक्शन विद द वर्ल्ड, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग एंड थॉट्स विद अदर्स, एंड ओरल रिक्रेशंस. अब हम आपको जो बताएंगे असेसमेंट ऑफ हियरिंग लॉस. मैम क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम एक हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में बात करेंगे, उसको असेस करने के लिए हम किस टाइप के एड्स या फिर किस टाइप के असिस्टिव डिवाइसेस जो भी हम यूज़ करेंगे एक पेशेंट को, क्या उसके लिए लाइक टाइप्स ऑफ हियरिंग को कंसर्न में रखना चाहिए या फिर द अमाउंट ऑफ लाइक मॉडरेट है या सीवियर है या एक्यूट है हियरिंग उसका हियरिंग लॉस, तो किस बेसिस पे हम उसको एसेस करते हैं. हाँ, आपको दोनों चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, इवन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, एंड डिपेंड ऑन द एज लेवल ऑल्सो. दिस थ्री थिंग इट इज़ मैटर कि उसका टाइप क्या है, अगर जो उसका कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, सेंसरी है या मिक्स है, डिग्री क्या है, दैट मीन्स 20 हियरिंग लॉस है, 20 डिसेबल है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, या मोर देन 90 है. तो दैट ऑल्सो डिपेंडेंट एज लेवल क्या है, क्योंकि अगर जो उसे लॉस है तो कैसे पता चलेगा. ऑफकोर्स वी हैव टू गो फॉर द असेसमेंट. अगर जो किसी को भी प्रॉब्लम है, वो क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो एट फर्स्ट उन्हें ट्रीटमेंट कराने के लिए या तो सब्जेक्टिव टेस्ट कराने होते हैं या तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराने होते हैं. अगर जो वो बहुत छोटा बच्चा है तो हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने में, कि कब उन्हें कम गति की आवाज़ सुनाई देती है और कब नहीं देती है. तो इसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ असेसमेंट किया जाता है ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा. तो एक्सपर्ट ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको बताने में सक्षम हो जाएंगे कि आपको किस टाइप का लॉस है, कितना डिग्री लॉस है, और आपको हियरिंग एड या असिस्टिव डिवाइस की ज़रूरत है या नहीं है. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फोकस देना चाहूँगी असेसमेंट ऑफ हियरिंग लॉस, क्योंकि जब भी हियरिंग एड प्रोवाइड करने के लिए हमें असेसमेंट जानने की बहुत ज़रूरत है. असेसमेंट ऑफ हियरिंग लॉस, सब्जेक्टिव टेस्ट जहाँ पे सब्जेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमें इंटेंसिटी दिया जाता है और सब्जेक्ट को उसमें रिस्पॉन्स किया जाता है. जैसे कि ये देख रहे हो, ये ऑडियोमेट्री टेस्ट है, इसमें ईयरफोन लगाया जाता है और पेशेंट स्विच होते हैं, जिसमें कि जब भी थ्रेशोल्ड दिया जाता है, जब भी साउंड आता है, टोन आता है, तो इनको रिस्पॉन्स करना होता है कि आपको कब आवाज़ सुनाई दे रहा है, और इसके द्वारा हम देखते हैं कि कहाँ पर इंडिविजुअल्स को सुनाई दे रहा है, 20 डिसेबल में, 40 डिसेबल में. इसके द्वारा हम एसेस करते हैं कि उन्हें नॉर्मल हियरिंग है, माइल्ड है और मॉडरेट है. तो इस हियरिंग को हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री कहते हैं, और स्पीच ऑडियोमेट्री में इसमें स्पीच साउंड दिया जाता है और उसके बाद हम रिस्पॉन्स देखते हैं. दूसरा, ये जो देख रहे हो BOA, दैट इज़ बिहेवियर
ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, यानी कि क्या होता है फ्री फील्ड से इसमें, यानी कि चारों तरफ जो होता है लाउड स्पीकर्स होते हैं, माइक्रोफोन्स होते हैं, और इसमें उसके द्वारा आवाज़ दिया जाता है और बच्चे को काफ़ी टॉयज दे दिया जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो प्योर टोन ऑडियोमेट्री करने में असमक्ष होते हैं। इसमें बच्चे के आवाज़ डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी दी जाती है, डिफरेंट लेवल की इंटेंसिटी दी जाती है, फ्री फील्ड साउंड होते हैं, और इसमें देखा जाता है कि जब साउंड आता है तो बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी आई ब्लिंकिंग करते हैं या टेक टर्निंग करते हैं। तो इस बिहेवियर को देख करके हम एसेस करते हैं कि बच्चे को हार्ड ऑफ हियरिंग है या नहीं है। अब आप ये जो देख रहे हो असेसमेंट ऑफ हियरिंग लॉस, दिस इज मिडिल ईयर, यानी कि इमिटेशन इमिटेंट ऑडियोमेट्री एंड ABR। ये जो टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट जहाँ होते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट का उसमें कोई ये नहीं होता है। सब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो रिस्पॉन्स करता है, जिसका टेस्ट होता है वो सब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स करते हैं और सब्जेक्ट को बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना होता है इसमें। क्या ऐसे भी कोई टेस्ट होते हैं या असेसिंग प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम पता लगा सके, जैसे कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस है तो जब बेबी बॉर्न हुआ तो विद इन 1-3 months कैन वी गेट टू नो कि क्या मतलब दैट द बेबी इज वो हियरिंग लॉस है उसको? हाँ बिल्कुल, आजकल तो हमारे हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी ये सब टेस्ट किए जाते हैं। पहले अवेयरनेस कम था, बट आजकल सारे पेरेंट्स भी जब भी बेबी होती है तो उनका एक ये होता है कि हमारे बेबी को हियरिंग स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जिसका कि बाद में मैं आपको बताऊंगी। OE स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि न्यू नेटल बेबी को हम टेस्ट करते हैं, और इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि बेबी को हियरिंग में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो मैम अगर रिजल्ट्स इसके लाइक पॉजिटिव आते हैं तो इट डिपेंड्स फर्दर ऑन द लेवल ऑफ, हाँ अगर जो इसमें पॉजिटिव रिस्पांस आते हैं तो हम इसे फॉलो अप के लिए देते हैं। फॉलो अप देने के बाद हम उन्हें 15 डेज में फिर दोबारा टेस्ट करते हैं। दोबारा टेस्ट करने के बाद भी अगर जो रिजल्ट सेम आता है देन वील आस्क फॉर द 1 month फॉलो अप, देन 3 month फॉलो अप। आफ्टर दैट इफ रिजल्ट इज कमिंग सेम देन वील थिंक फॉर द विच काइंड ऑफ लॉस इट इज देयर, विच टाइप इट इज अ लॉस, डिग्री है। फिर अगर जो एम्पलीफिकेशन की जरूरत होती है तो हम उनको बोलते हैं कि आप ये कर लो, इट कैन बी ट्रीटेड मेडिकली अगर ट्रीट हो जाता है। हाँ, किस कारण से होता है तो हमें कारण पता लगाना होता है। अगर जो कॉजेस हमें पता लग जाते हैं तो वो हम पेरेंट्स को वैसे उनको बताते हैं, बट इट हैज टू थ्राइसली इट हैज टू चेक, देन ओनली हम उसको पेरेंट्स को बता पाते हैं कि हार्ड ऑफ हियरिंग आपके बेबी को है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट अब देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो होता है इमिटेशंस होते हैं, जैसे इम्पीडेंस टेस्ट होते हैं। इम्पीडेंस टेस्ट जो होते हैं वो हम मिडिल ईयर पैथोलॉजी में करते हैं। ABR टेस्ट जो होते हैं ऑडिटरी ब्रेन स्टिम रिस्पॉन्स, यानी कि ये जो टेस्ट होता है ये जैसे कि आप देख रहे हो छोटे बच्चे को किया जा रहा है, यहाँ पर दिखा जा रहा है ये इलेक्ट्रोड है जो कि छोटे बच्चे को लगाया जा रहा है, और इसके थ्रू हम देखते हैं कि वेव कौन सा वेव प्रेजेंट है, और लाइक फ्रॉम दिस हम लोग को पता चलता है कि हियरिंग लॉस है या नहीं है। ऑटो एकॉस्टिक इमिशंस, ये मिडिल ईयर टेस्ट किया जा रहा है, मिडिल ईयर में प्रॉप डाल करके यहाँ पर रिस्पॉन्स देखते हैं मॉनिटर पर, एंड आफ्टर दैट वी आर सीइंग द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, किस टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है इसमें। ये जो देख रहे हो बच्चों को यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाया गया है, इलेक्ट्रोड के द्वारा देखा जाता है कि बच्चे का जो लॉस है किस भाग में और कितना लॉस है। यहाँ OE देख रहे हैं स्क्रीनिंग टूल, ये OE के द्वारा ही हम न्यू नेट बेबीज को पता लगाते हैं कि इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि आप ये जो प्रॉप देख रहे हो दैट प्रॉप वी हैव टू पुट इन द ईयर, एंड आफ्टर दैट वी आर असेसिंग देयर इज दैट पास और फेल, जस्ट पास और फेल, इफ इट इज कमिंग फेल देन वी हैव टू लाइक कॉल फॉर फॉलो अप। Like we are not providing any kind of objective test to the natal baby, like newborn baby. This is objective test itself. Okay. Okay. Then here we can see assessment we have seen. अगर जो assessment में problems होती हैं तो हमें आगे क्या करना होता है, कहीं ना कहीं हमारे अगर जो हम provide करते हैं कि आपके बच्चे को ये problem है, now it's our duty to say how it can be cured. Then we can say maybe it can be medically, maybe it can be surgically, and maybe it can be rehabilitated. Okay.
अब तक हमने देखा, अब तक मैम से हमने जाना कि किस टाइप के हियरिंग लॉसेस होते हैं, क्या क्या उसके लिए टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। इस टॉपिक पे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. This is Raj Bala. With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person.
जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए फॉर द पेशेंट्स हु आर हियरिंग इम्पेयरमेंट. जिस पेशेंट्स को जो दे आर हार्ड ऑफ हियरिंग, हमें किस टाइप के टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए. जैसा कि हमें मैम ने बताया कि बेसिकली वी परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट. सो मैम, आई वॉन्ट टू आस्क वॉट रिहेबिलिटेशन वी विल प्रोवाइड टू सच पेशेंट्स. या मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि मिडिल ईयर अगर जो प्रॉब्लम है, दैट मीन्स इफ़ इट इज़ डायग्नोज बाय द कंजक्टिव हियरिंग लॉस, इन दैट लाइक वी हैव टू सी कि वेदर इट इज़ फैक्स प्रॉब्लम इट इज़ देयर, इन्फेक्शन इट इज़ देयर. और जैसे कि आपने मुझसे पूछा था एक सवाल कि कहीं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रैक्चर्स तो नहीं है, तो अगर जो वो उस पोजिशन में आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसको मेडिकली और सर्जिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कंडक्टिव हियरिंग लॉस. अगर जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस का रिहेबिलिटेशन की बात होती है तो दैट मीन्स ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द कॉजेस. दैट मीन्स इट कैन बी कॉज वैक्स इन द ईयर, दैट कैन बी रिमूवल ऑफ ए वैक्स बाय ए ट्रेंड पर्सन, इन्फेक्शन इन द ईयर एंड ईयर डिस्चार्ज. ईयर डिस्चार्ज सो दैट कैन बी डन बाय द ENT स्पेशलिस्ट. And maybe eardrum ruptures that can be surgically treated. Next, it is sensory neural hearing loss. Treatment options, amplification, that means hearing aid, and other options is cochlear implant. Now, sir, when do we provide, like what are the indications, like which condition do we say ki abhi hearing aid hum denge aur ab time it is the time for cochlear implant? या दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली जब हियरिंग एड्स, एक तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है पेशेंट का, दूसरा चीज़ डिग्री एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस. अगर जो उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो उन्हें कहीं ना कहीं हियरिंग एड की ज़रूरत है. बट इफ़ देयर इज़ डिग्री ऑफ अबव 90 डिसेबल, जहाँ पर हमारे हियरिंग एड भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है हियरिंग एड, उस समय हमें कॉकलिया एम्प्लांट से ही पेशेंट को बेनिफिट हो सकता है. बट ऑफकोर्स दिस इज़ वेरी कॉस्टली, तो कुछ बैकग्राउंड्स अगर जो इकोनॉमिकल बहुत स्ट्रांग है तभी हमें उन्हें काउंसलिंग करना पड़ता है कि यू कैन गो फॉर द कॉकलिया एम्प्लांट्स. नेक्स्ट वी विल सी हियरिंग एड्स. The function of hearing aids is to amplify sound that will enable a person with hearing impairment to utilize his residual hearing. There are different type of hearing aids based on placement of hearing aid, that is body level ko hum pocket aid bhi bolte hain, complete in the canal, in the ear of hearing aid, behind the ear hearing aid and eyeglass hearing aids. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे पार्ट होते हैं हियरिंग एड के, तो जैसे जैसे आपको हियरिंग एड के साइज़ रिड्यूस होते हैं, आई विल से यू इट्स रियली कॉस्टली, बिकॉज पॉकेट मॉडल जो है वो आपको जो थोड़े से पॉकेट में डालना पड़ता है एंड इज देयर ओनली माइक्रोफोन एंड एवरीथिंग इज़ देयर, बट इन दैट देयर इज़ रिसीवर वॉट वी हैव टू पुट इन द आर ईयर. इसको मैं दिखाऊँगी कि कैसा आप देख सकते हो. ये देखो हियरिंग एड है, इसमें आप ये जो देख रहे हो दिस इज़ पॉकेट मॉडल ऑफ हियरिंग एड. इस पॉकेट में क्लिप के द्वारा इसे पिनअप किया गया है और ये जो है रिसीवर है, ये जो है वायर के थ्रू रिसीवर कानों में लगाया गया है. तो दिस इज़ कॉल्ड पॉकेट ऑफ या फिर पॉकेट ऑफ हियरिंग एड और या बॉडी लेवल ऑफ हियरिंग एड. मैम, सो कैन वी से लाइक इट शुड बी कॉस्मेटिकली अप्रिशिएबल. जैसे कि किसी ने हियरिंग एड पहना हुआ है तो लाइक इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर द चिल्ड्रेन, बट जैसे जैसे दे ग्रो यंग तो एक कॉस्मेटिकली जो फीलिंग होती है कि इट शुड लुक गुड एंड डज नॉट लुक ऑकवर्ड एंड शुड नॉट फील एनी ऑकवर्डनेस, तो ये चीज़ आ जाती है लोगों में. हाँ, ये चीज़ आती है, लेकिन अगर जो किसी बच्चे में बच्चे को लाइक डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस इज टू हाई एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इज ऑल्सो नॉट टू गुड, सो इन दैट केस ऑफकोर्स वी हैव टू गो फॉर द पॉकेट मॉडल हियरिंग एड बिकॉज इट इज़ लो कॉस्ट ऑल्सो. एंड
in childhood, this is can be binaural, because behind the ear you have to use only if it is loss is there, same loss is there in both ear. That means if one person is having 50 decibel loss in one ear and other ear also 55 decibel loss and requirements of hearing aid in both ear, that means in that time with one hearing aid they can use amplification in both ear. But in BTE they have to get two hearing aid for the both hearing. Okay, तो उस समय जो हमारा cost होता है जो economically देखा जाए तो काफ़ी high पड़ता है. तो depend on that also कि how capable they are to like spend the money. Okay, so price is one of the main concern for any of these aids. Ma'am, can this be the condition, like we can just a patient sirf left ear uska hearing impairment hai and right is like normal. This could be any condition. Yeah, us case mein hum hearing aid provide karenge to normal pe as such koi effect nahi padega. Nahi, actually main aapko kehna chahungi ki jab normal hearing ek kaano mein hai to agar ye choice hum patient par chhod dete hain ki agar jo wo chahte hain ki hum hearing aid ना लगाएं तो फिर इट्स नॉट नेसेसरी टू गेट द हियरिंग एड, क्योंकि एक कानों से अगर जो ठीक से सुनाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं उनके कुछ भी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगा, कम्युनिकेशन उनकी बहुत अच्छे से होगी. या देयर इज़ प्रॉब्लम इन लोकलाइजेशन, बिकॉज दैट इज़ जब दोनों काने से हम अच्छे से सुनते हैं नॉर्मली तो डायरेक्शन काफ़ी अच्छे से बेटर पता लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन किस तरह से साउंड आई है. उसमें ट्रैवलिंग ऑफ साउंड में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वन ईयर नॉर्मल है. अगर जो एक आंख से हम देख सकते हैं तो एक कान से सुन भी सकते हैं बहुत प्रॉपरली. बट इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट, इफ़ दे वॉन्ट दे कैन. ये जो आप देख रहे हैं बिहाइंड द ईयर यानी कि कान के पीछे वाली जो मशीन होती है, जो हियरिंग एड होती है, वो इस तरह से दिखती है. और ये जो कान के पीछे में लगाया जाता है इसके द्वारा भी हम ठीक से पेशेंट को सुनाई देता है और कान से कान के पीछे में रहता है. ये जो आप देख रहे हो इन द ईयर यानी कि कान के बिल्कुल पास में रहता है, इन द ईयर इसमें सारे सिस्टम्स होते हैं, ऑन ऑफ स्विच होते हैं. अभी आप देखोगे CIC, ITC, ITE एंड BT. BT जो आपने देखा कि कान के पीछे में जो लगते हैं हम उसे BT बोलते हैं. ITE जो कान के बिल्कुल जो हमारे आउटर ईयर के बिल्कुल कैनाल के पास जो लगते हैं वो इन द ईयर होता है. और इन द कैनाल जो बिल्कुल कान के अंदर में लगते हैं वो कान के इन द कैनाल होते हैं. एंड CIC कंप्लीट इन द कैनाल, बिकॉज कान के पास जो कंप्लीट होते हैं जो बिल्कुल दिखाई नहीं देते वो CIC होते हैं. तो इतने टाइप ऑफ हियरिंग एड्स होते हैं जिसको कि सूट करने पर डिपेंड करता है. बट आई विल टेल यू, ये जो हियरिंग एड हैं यानी कि CIC ITC जो है ये हम कम एज में नहीं लगा सकते हैं. जैसे कि अगर जो क्योंकि हमारे जो ग्रोथ होते हैं हमारे ईयर का डेवलपमेंट जो होता है वो टिल 13 to 40 ईयर्स के रेंज तक होते रहता है. तो ड्यूरिंग दिस एज वी डोंट प्रोवाइड फॉर द ITC एंड CIC. After maturations of the ear only we are asking to get those hearing aid, otherwise they can have the पॉकेट मॉडल ऑफ हियरिंग एड, अदरवाइज बिहाइंड द ईयर ऑफ हियरिंग एड. मैम, इसके मटेरियल जो हियरिंग एड का जो मटेरियल होता है उससे भी कोई इफेक्ट पड़ता है, लाइक कि सेंसिटिव है मतलब हमारे ऑर्गन्स को या फिर स्किन को जो जहाँ से अटैच होते हैं, कि उसमें कुछ इफेक्ट पड़े कि वो सूट नहीं कर रहा पेशेंट को? डज एनी नो एक्चुअली व्हेन वी आर लाइक हम लोग जब प्रिस्क्राइब करते हैं हियरिंग एड उस समय हमें उन्हें प्रिकॉशंस कैसे रखने हैं, उसका कैसे केयर करना है, दैट आल्सो वी आर लाइक आस्किंग टू डू दैट. क्योंकि क्या होता है कि जब मान लिया जाए कि वो मॉइस्चराइजर्स हो रहे हैं या फिर कान में वैक्स है या कोई और प्रॉब्लम है, उस समय भी अगर जो वो हियरिंग एड को लगाते हैं बिना क्लीन किए हुए तो उस समय ऑफकोर्स हो सकता है प्रॉब्लम्स अकर हो सकता है. बट इफ़ इट इज़ करेक्ट यानी कि कोई उसमें प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल समय पर क्लीन किया जा रहा है उसके सेल, क्योंकि हर एक हियरिंग एड में अलग अलग सेल होता है, बैटरी कंपार्टमेंट्स होते हैं, अगर जो उसमें लीकेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस समय किसी भी पेशेंट को कोई टाइप का हार्म हियरिंग एड के थ्रू नहीं होता है. ये जो देख रहे हो हियरिंग एड्स जो कि स्पेक्स में लगा करके हियरिंग एड भी प्रोवाइड किया जाता है, बट इट इज़ वेरी लैक इन द मार्केट.
ओके नाउ अब आपको मैं बताना चाहूँगी कॉकलिया इम्प्लांट के बारे में. मैम क्या इंडिकेशंस होती हैं, मतलब आपने हमें बताया हियरिंग एड के बारे में कि हियरिंग एड हम इस कंडीशन में दे सकते हैं, इस टाइप के हियरिंग एड्स होते हैं. कॉकलियर इम्प्लांट जैसे कि आपने बताया इट इज़ वेरी लाइक एक्सपेंसिव, नोबडी लाइक समवन ओनली कैन अफोर्ड दिस. तो क्या इंडिकेशंस होनी चाहिए, किस टाइप के हियरिंग लॉस में हम कॉकलियर इम्प्लांट प्रोवाइड कर सकते हैं? जब हियरिंग एड रिस्पॉन्स नहीं करता है देयर इज़ लॉस ऑफ 120 डिसेबल. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20 डिसेबल होने के बाद परफॉर्म्ड हियरिंग लॉस होता है, और अगर जो किसी पेशेंट को 120 डिसेबल के बाद भी सेंसेशन नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम उन्हें बोलते हैं कि कॉकलिया इम्प्लांट के लिए दे कैन गो फॉर कॉकलिया इम्प्लांट. दैट मीन्स देयर इज़ वन कंडीशन, ई पेशेंट इज़ हैविंग सीपियर टू परफॉर्म्ड हियरिंग लॉस एंड दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द हियरिंग एड्स, सो इन दैट कंडीशन दे कैन गो फॉर हियरिंग आई मीन कॉकलिया इम्प्लांट्स. कॉकलिया इम्प्लांट provide a unique opportunity for the rehabilitations of deaf individual who are unable to utilize other devices such as hearing aids. A cochlear implant helps people with severe to profound sensory neural hearing loss. Cochlear implant is a small electronic device surgically implanted in the cochlea. ये जो आप देख रहे हैं ये cochlear implants हैं. ओके आपको काफ़ी जानने का इच्छा होगा कि कॉकलिया इम्प्लांट कैसा दिखता है, कैसे प्रोसेस होते हैं इनके. तो दिस इज़ ऑफकोर्स दिस इज़ सर्जिकली पुट, बट यू कैन सी दिस इज़ वन, दिस इज़ टू, दिस इज़ फोर, दिस इज़ थ्री, फोर, फाइव. तो ये 1, 2, 3 क्यों, नंबर कोडिंग क्या किया गया है, तो इसके बारे में हम जानेंगे. थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये वन जो है जैसे कि बैकग्राउंड साउंड, यानी कि बाहर से जो साउंड आते हैं, तो बाहर का साउंड क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये हमारे एक्सटर्नल पार्ट में होते हैं, यानी कि कान के बाहर होता है. ठीक है, तो इस पार्ट को क्या करते हैं कि आपको दूसरे डायग्राम में मैं समझाती हूँ. जैसा कि अब तक हमने देखा कि किस किस टाइप के असिस्टिव एड्स और डिवाइसेस हमने यूज़ किए, और उसका कुछ एज सच जब हमारा ये असिस्टिव डिवाइसेस का कोई यूज़ नहीं होता, जब ये बिल्कुल फेल हो जाते हैं, ये वर्क नहीं कर पाते, तब हम कॉकलियर इम्प्लांट का यूज़ करते हैं. तो किस तरह से हम कॉकलियर इम्प्लांट का यूज़ करते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म होता है और क्या प्रोसेस होता है, मैम प्लीज़ टेल अस. पहला जो आप देख रहे हो, फर्स्ट ये जो कॉकलिया इम्प्लांट्स हैं ऐसे लगा हुआ रहता है कॉकलिया इम्प्लांट्स. ये जो है बाहर का पोर्शन है, ये जो आपको व्हील के जैसा जो दिख रहा है बाहर से, फर्स्ट जो है एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर, यानी फर्स्ट वन जो एक्सटर्नल स्पीच प्रोसेसर बोलते हैं हम इसको, ये बाहर के साउंड को कैप्चर करते हैं और इसको डिजिटल साउंड में कन्वर्ट करते हैं. डिजिटल साउंड में जो कन्वर्ट होकर के ये यहाँ पे पहुँचते हैं, जिसको हम प्रोसेसर सेंडर बोलते हैं. प्रोसेसर सेंडर जो होता है डिजिटल साउंड को सेंड कहाँ करते हैं, ये एक्चुअली आपने नॉर्मल हियरिंग में देखा कि सबसे पहले बाहर में कान का, यानी कि जो भी साउंड आता है मैकेनिकल एनर्जी, कान के बाहर वाले हिस्से में जाते हैं, फिर बीच वाले हिस्से में जाते हैं, फिर अंदर वाले हिस्से में पहुँचते हैं. बट यहाँ जो प्रोसेस होता है ये कान के बाहर से डायरेक्ट डिजिटल साउंड जो होते हैं वो कॉकलिया तक पहुँचा देते हैं. यानी कि यहाँ ट्रैवलिंग जो होता है मिडिल ईयर में ना होकर के डायरेक्ट कॉकलिया में जाते हैं, जो कि थर्ड जो होता है, और यहीं पर इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट किया जाता है कॉकलिया के पास. तो आप देखोगे इंटरनल इम्प्लांट टर्न सिग्नल इनटू इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी एंड आफ्टर दैट इट इज सेंडिंग टू द कॉकलिया. यहाँ पर फिर इलेक्ट्रोड जो है दैट इज स्टिमुलेटेड हियरिंग नर्व बाय पासिंग डैमेज हेयर सेल्स, जो हेयर सेल्स डैमेज है वहाँ पर उसको पास करता है और वहीं पर सेंसेशन होता है एंड दैट सिग्नल इट इज रीचिंग टू द नर्व इन द ब्रेन एंड देन वी आर हियरिंग फ्रॉम द कॉकलिया इम्प्लांट. मैम डजंट सीम इट्स वेरी कंबर्सम. इट इज, बट थिंग इज दैट कह सकते हैं कि जो नेचुरल है, जो भगवान ने हमें कान दिया है और जो आदमी के द्वारा बनाया गया है कान है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ ईयर दैट इज मेड बाई ह्यूमन एंड वॉट गॉड हैज गिवन, तो बोथ आर वेरी डिफरेंट. इवन वी कांट से कि आफ्टर पुटिंग कॉकलिया इम्प्लांट यू कैन हियर दैट गुड हाउ यू कैन हियर विथ योर नॉर्मल हेयर.
ओके सो दैट बट ऑफ कोर्स अल्टरनेटिव इज देयर दैट वी हैव टू बी हैप्पी कि कुछ तो ऐसा है जिसे हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. But ma'am, the whole procedure is like we are going through the surgery. Yeah, after the TNT specialist, they are doing it. They are doing it, the whole surgery procedure. Yeah. And ma'am, is electrode ka koi harmful effect? No, there is as no such, harmful. Koi because all actually before they will implant, before that they have to go under lots of assessments. So according to assessment only they are going to put it. Okay, and precautions, ma'am, like we are putting an electrode inside our body, so you should take some kind of special precautions. Whatever precautions is there, whatever they have to do, everything it is going to tell by the after post surgery, it like patient is going to know by the surgeon. जैसे कि अब हमने देखा कि कॉकलियर इम्प्लांट किस तरह से जो हमारे नेचुरल ईयर को हमारे जो हियरिंग को नेचुरल हियरिंग को किस तरह से एक इम्प्लांट है, हम एक आर्टिफिशियल कह सकते हैं कि हम एक आर्टिफिशियल ईयर डेवलप करते हैं या एक आर्टिफिशियल ईयर इम्प्लांट करते हैं जिसके थ्रू हमारा हियरिंग जो है वो पॉसिबल हो जाएगा. और क्या क्या वेरियस असिस्टिव डिवाइसेज हैं और क्या क्या एड्स हैं इसके बारे में हम जानेंगे. अगर आपके कोई भी क्वेरीज हों, आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008. आप हमारे स्टूडियो नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं जो कि है 2651106. आप हमें फैक्स भी कर सकते हैं, हमारा फैक्स नंबर है 2651106. आप हमें ईमेल करके भी अपने एड्रेस हमारे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है rehabstd@ndc.vsnl.net.in. आप कोई भी सजेशंस, कोई अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं, अपने सजेशंस हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.rehabcouncil.nic.in. सो मैम, प्लीज़ कंटिन्यू विद द कॉकलियर इम्प्लांट. थैंक यू. कॉकलियर इम्प्लांट, ए कॉकलियर इम्प्लांट इज ए सर्जिकली इम्प्लांट electronical device that provides a sense of sound to a person who is profoundly deaf or severely hard of hearing. That cochlear implant is often referred to a bionic ear. यहाँ आप देख रहे हो ये कॉकलिया इम्प्लांट एक गर्ल को लगाया गया है. एंड इसे जो आपको मैंने बताया था कि 1 और 2 जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर सेंडर जो है, यहाँ पर इन्हें लगाया गया है. और यहाँ पर ये रिसीवर है और इलेक्ट्रोड जो है वो कान के अंदर इंटरनल इम्प्लांट किए गए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉकलिया इम्प्लांट, यानी कि कॉकलिया इम्प्लांट लाइक जैसे कि बाहर जो लगाया जाता है उसके बाद कैसे किया जाता है, यानी कि कॉकलिया इम्प्लांट जो किए जाते हैं नियर टू कॉकलिया इलेक्ट्रोड पुट आउट करते हैं. तो दिस इज आफ्टर डूइंग द कॉकलिया इम्प्लांट आर ईयर इंटरनल ईयर लुक लाइक दिस. यहाँ देख रहे हैं कॉकलिया इम्प्लांट के बाद ऐसा नहीं होता है कॉकलिया इम्प्लांट हो गया तो फिर हमारा बच्चा ठीक से सुनने लगेगा, ठीक से बोलने लगेगा, नहीं. उसके बाद भी हमें ज़रूरत है स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लेने की और स्पीच थेरेपिस्ट के द्वारा ही उन्हें थेरेपी दिया जाता है जो कि पोस्ट यानी कि पोस्ट कॉकलिया इम्प्लांट के बाद उन्हें थेरेपी लेने की ज़रूरत होती है. आप यहाँ देख रहे हो इस बच्चे को कॉकलिया इम्प्लांट कराया गया है, उसके बाद वो थेरेपी ले रहे हैं. अब जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इज इम्पॉर्टेंट, यानी अर्ली आइडेंटिफिकेशन का क्या इम्पॉर्टेंस है. तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम हमारे बच्चों को देखते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल जो बच्चे हैं जैसे नॉर्मल बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे ना हो करके नहीं हो रहा है, तो उसी समय जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, सही राह पे चलने की ज़रूरत है और सही जगह पे जाएंगे. आपको कभी भी ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि हमारा बच्चा लेट हो सकता है, लेट बोले, लेट सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए. जब भी आपको ज़रूरत है कंपेयर करने की, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने की और सही समय पे उपचार करने की ज़रूरत है. आगे मैं बताना आगे क्या क्या साइंस हम रखने चाहिए कि क्या अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि एक पेरेंट को क्या प्राइमरी कंसर्न इश्यूज रखने चाहिए कि जिसकी वजह से अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो पाए. जी हाँ, यहाँ पर जैसे कि पहले भी बताया गया था कि बचपन में पेरेंट्स बहुत सारे
एनवायरमेंट नॉइज प्रोड्यूस करते हैं. आपने सुना होगा कि मेरा बच्चा तो मेरा आवाज़ पहचानने लगा, तो ये कैसे होता है? और अगर जो ये रिएक्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं होना है? तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जिसे सिर्फ आपको रूल आउट करने की ज़रूरत है. हमारे घर में अगर जो दो बच्चे हैं या नहीं भी हैं, आस पड़ोस के बच्चे हैं, तो उस बच्चे में जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर जो एज ग्रुप आपके बच्चे का और उनके बच्चों का सेम है और जो उनके बच्चों में डेवलपमेंट हो रहा है वो आपके बच्चे में नहीं हो रहा है, तो ज़रूरत है सतर्क हो जाने की. हमें सही समय पे ये चीज़ जागरूक होनी चाहिए और ये चीज़ बताना चाहिए कि मेरे बच्चों में ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी साउंड पर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है. मान लिया जा हो सकता है कि क्लैपिंग, यानी कि अगर जो उसको मॉडरेट लेवल में क्लैपिंग किया जाए तो वो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अगर जो हल्के से किया जा रहा है तो क्यों नहीं रिएक्ट किया कर रहा है? तो उस समय भी ज़रूरत है जागरूक होने की, ना कि इंतज़ार करने की कि उम्र बढ़ेगा तो आवाज़ आ जाएगा. तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और सही समय पे उपचार करें. आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेरिमेंट इन स्कूल सेटअप. अब स्कूल सेटअप में कैसे कर सकते हैं? माल फंक्शन ऑफ द ईयर, फ्रीक्वेंट ईयर डिस्चार्ज, चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम पेइंग अटेंशन इन स्कूल, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच ए प्रेजेंट फ्रॉम बिहाइंड और डिस्टेंस, एंसर इरिवेंट, ask for frequent repetition. तो क्लासरूम में ये टीचर्स की भी ड्यूटी है कि कैसे वो पहचाने कि बच्चे में हियरिंग लॉस है. अगर जो क्लास में कुछ भी चीज़ सवाल पूछा जा रहा है और बच्चे बार बार रिपीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे भी कारण हो सकता है. अगर जो टीचर के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस सवाल का जवाब नहीं देकर कुछ और वो जवाब दे रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं क्लासरूम में भी टीचर को अवेयर होने की ज़रूरत है और उसे सही समय पे सही एक्सपर्ट के पास भेजने की ज़रूरत है, जिससे कि उसके जो बचे हुए डेवलपमेंट के जो टाइम है, जो एज है, वो वेस्ट ना हो और वो सही समय पे एम्पलीफिकेशन के द्वारा, हियरिंग एड के द्वारा ठीक से सुन करके वो अपने डेवलपमेंट को बढ़ाए और सही समय पे वो अपने कम्युनिकेशन को इंक्रीज करें. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें सिर्फ पेरेंट्स को ही कंसर्न नहीं होना चाहिए, सिर्फ पेरेंट्स को ही अपने बच्चों के बारे में, कि हाँ पेरेंट्स तो कंसर्न होंगे ही, बट अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो टीचर्स को भी कंसर्न रखना चाहिए अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स शो किए जा रहे हैं. मैम क्या क्या चेक लेना चाहिए? लाइक सोसाइटी में एक जैसे कोई भी बच्चा स्कूल जाता है, इंटरेक्ट करता है अपने फ्रेंड्स से, तो होता है छोटे बच्चों का होता है कि चिढ़ाना या फिर किसी को इरिटेट करना. अगर कोई बच्चा ऐसा हियरिंग लॉस से सफ़र कर रहा है या उसको नहीं हार्ड ऑफ हियरिंग है, तो कैसे सोसाइटी मेम्बर्स को एक कॉर्पोरेशन दिखाना चाहिए ऐसे बच्चे की तरफ? सबसे पहले तो देखना चाहिए कि बच्चे को डिस्चार्ज तो नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी आप देख सकते हो. ठीक है, दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि कभी कभी बच्चे हमेशा इचिंग करते रहते हैं अपने ईयर में, तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग अवेयर, क्यों बच्चा ऐसे कर रहा है. साथ में देख रहे हो कि बच्चे आपके बच्चे के साथ ही सोसाइटी में प्ले कर रहा है, लेकिन आपका बच्चा जो साउंड वाला टॉयज़ है, ओके, जो साउंड मेकिंग टॉयज़ है, जैसे कि रिमोट कार हुआ या फिर डिजिटल थिंग्स, डिजिटल टॉयज़ हैं या क्या मतलब कंप्यूटर साउंड है, गेम्स हैं, तो उसमें जो साउंड है उसको काफ़ी इंजॉय आपका बच्चा कर रहा है, लेकिन जो सोसाइटी में दूसरा बच्चा नहीं है वो इंजॉय नहीं कर रहा है. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कंसर्न होने की चीज़ है कि बच्चा को जो इंजॉय नहीं कर रहा है तो व्हाई, बिकॉज उसके जो नॉर्मल एज है उस एज में बच्चा हैज़ टू इंजॉय. Sometimes if there is I'll just change the topic. कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को ठीक से सुनाई देता भी है लेकिन ऑटिज़म होने के कारण वो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो अदर साइन एंड सिम्टम. तो मैं कहना यही चाहूँगी कि जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम लगे, हो सकता है कि हियरिंग ना हो, हो सकता है उसके ऑटिज़म प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई और बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो, इसलिए आप ये दिमाग में ना रखें कि बच्चा अगर जो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो उसको हियरिंग लॉस ही है, हो सकता है कुछ और भी है. इसलिए ज़रूरत है कि आप सही समय पर सही एक्सपर्ट के पास जाए, वो आपको बताएंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या उपाय करनी है. सो पेरेंट्स कंसर्न तो है ही, बट सोसाइटी मेंबर्स को, टीचर्स को, स्कूल में, प्रिंसिपल और हर जगह एक अवेयरनेस होना चाहिए. हर एक लेवल पे जहाँ वो स्टूडेंट जा रहा है अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए और करेक्शन ईजली हो जाए. मैम प्लीज़ कंटिन्यू. फॉर थैंक यू.
यहाँ पे आपको बताऊंगी, एक चेकलिस्ट मैं देना चाहूंगी जिससे कि आपको पता चले कि हियरिंग लॉस कब हुआ, कैसे हुआ और कब सही टाइम पे हम जा करके ईएनटी का सलाह लें, एक्सपर्ट की सलाह लें। तो यहाँ पर मैं आपको एक चेकलिस्ट बताना चाहूंगी जिसके द्वारा आप अपने आप को तैयार रखें आगे की अवेयरनेस के लिए। तो सबसे पहले, If you have problem in any one or more of the following, it's time for you to visit an audiologist or an ENT doctor. First, do you frequently ask people to speak up or repeat themselves? Do you have difficulty in following a conversation in a crowd room? यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि कहीं जो आदमी जो आपसे बातें कर रहा है उसको आप बार बार रिपीट तो नहीं करा रहे हैं। कहीं अगर जो आप बहुत नॉइजी क्राउड में हैं वहाँ पर जो बातें हो रही है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर जो कोई कम्युनिकेशंस है, दूर से कोई बातें कर रहा है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। टेलीफोन आवाज़ जो बातें हो रही है उसका आप सही से रिप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। टीवी वॉल्यूम को बार बार ज़्यादा तेज़ तो नहीं कर रहे हैं। देन यू हैव टू सी कि कहीं एक कान से आपको ज़्यादा अच्छा सुनाई दे रहा है, दूसरे से अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये सारे चेकलिस्ट हैं जिसके द्वारा कि आप अपने आप को खुद असेस कर सकते हैं। बिकॉज हमने बहुत जगह सुना है सेल्फ असेस इज़ द बेस्ट थिंग टू अदर असेस। अगर जो आप इस काबिल हैं कि अपने आप को खुद असेस कर सकते हैं तो ये सारे चेकलिस्ट के द्वारा आप अपने आप को असेस करके आप कंसल्ट कर सकते हैं ऑडियोलॉजिस्ट या किसी भी ENT डॉक्टर को। अब मैं पेरेंट्स को गाइडेंस देना चाहूँगी कि जो बच्चे हियरिंग एड लगाते हैं उन बच्चों को कैसे आप ट्रीट करें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ऑलवेज यूज मीनिंगफुल साउंड सिग्नल्स। यानी कि जो भी उनसे आप बात करें, वो जो भी साउंड आप उनको दें वो साउंड बिल्कुल मीनिंगफुल हो, यानी कि उसका मतलब हो। यूज़ मोर ऑफ सुप्रा सेगमेंट, यानी कि जब भी आप बात करते हैं तो लाउडनेस कितना है, इंटेंसिटी कितना है, पिच कौन सा है, उस चीज़ को प्लीज़ मेंटेन करें। और सिंग ए लॉट्स ऑफ राइम एंड सॉन्ग्स विद हर, यानी कि जो बच्चे के पास हियरिंग एड है उनके साथ आप राइम्स बहुत सारे गा सकते हैं और गाने गा सकते हैं। यूज़ नॉर्मल लिप एंड बॉडी मूवमेंट। कभी कभी होता है कि हियरिंग एड जो बच्चे लगाए रहते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा लिप मूवमेंट होता है और बॉडी मूवमेंट, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। लिप मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट को नॉर्मल रखना चाहिए। ऑलवेज पॉइंट टू द ईयर अपॉन हियरिंग, जो हियरिंग है उसमें हमेशा ऑलवेज पॉइंट करना चाहिए, बच्चे के पास में बैठ करके उनको सिखाना चाहिए। टॉक नेचुरल, बच्चे से बिल्कुल, जब हियरिंग एड लगा लेते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगी बहुत समय क्या होता है कि बच्चे जब हियरिंग एड लगा लेते हैं उस समय भी उनके पेरेंट्स उनसे बहुत तेज़ में बात करते हैं, क्योंकि वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि पहले तो मैं अपने बच्चे से इतना तेज़ बात करता था, अब क्यों नहीं बात करूँ। वो ये भूल जाते हैं कि बच्चा जब हियरिंग एड लगा लिया है तो दे कैन हियर। उस समय क्या होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो जाते हैं बिकॉज दे यूज टू गेट द मोर इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड चाइल्ड यूज टू गेट इरीटेट, हेड एक एंड ऑल दोज थिंग। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जब भी बच्चे को हियरिंग एड लगाया ना है तो आवाज़ उसकी नॉर्मल हो चुकी है बिकॉज दे गॉट द ईयर बैक। तो उस समय हमें ज़रूरत है अवेयर करने की कि आप इससे, पेरेंट्स को अवेयर करने की, आप बच्चे से बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ में बात कीजिए। जैसा कि हमने अब तक देखा कि क्या क्या कॉकलियर इम्प्लांट्स, क्यों कॉकलियर इम्प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं, बायोनिक ईयर यूज़ किया जाता है, हम इस टॉपिक पे फर्दर डिस्कशंस करेंगे। वी विल मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। देयर वाज अ टाइम व्हेन पर्सन विद मेंटल हैंडीकैप यूज्ड टू बी कंसीडर्ड बर्डन ऑन द सोसाइटी। इनफैक्ट एट सम प्लेसेस दे यूज्ड टू बी किल्ड एंड बैडली ट्रीटेड। गॉन आर द डेज नाउ। लॉट ऑफ चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन थिंकिंग एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल towards person with mental retardation. We have moved away from this attitude of burden to the society. We no longer believe they are burden on the society, but they are productive members of our society. In fact, there is a complete paradigm shift from charity and welfare to the right-based and inclusive society. We are all working towards creating an inclusive society. In fact, now, with the implementation of UNCRPD, the whole nation is geared towards implementing the objectives of UNCRPD, which is creating an inclusive society and not segregating them. So let us all be prepared to
to help them participate in an inclusive society, to help them enjoy an inclusive society, to help them create an inclusive society. And let's all join hands with them. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। देखो, ओपन योर आइज, ओपन करो, ओपन ओपन करके, ओपन ओपन। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेरी गुड। ग्लास, जो खाली बैग है। ग्लास, वेरी गुड। कप को टच करो जल्दी से। कप को, वेरी गुड। कप, वेरी गुड। कप में क्या करता है गणेश? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? Very good. चलो बाउल की तरह, बाउल, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़े और अपनी मंजिल को पा ले। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया, एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दी।
पहले जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, पेरेंट्स को क्या क्या कंसर्न रखना चाहिए हमारे टॉपिक पे, जो कि है कि असेसमेंट ऑफ द हियरिंग एड्स एंड वेरियस असिस्टिव डिवाइसेस फॉर द पर्संस विद हियरिंग इम्पेयरमेंट. हमने डिस्कस किया कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में, जिसको हम बायोनिक ईयर भी कहते हैं, जिसके थ्रू लाइक द पर्सन हु आर हैविंग हु इज हियरिंग इम्पेयर्ड, तो वो ईजली ही सब कुछ ग्रैप कर पाएगा एंड इज एबल टू हियर. मैम, नाउ कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट आर असिस्टिव डिवाइसेस एंड व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस. या दैट आई एम गोइंग टू से अबाउट द नाउ लाइक आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज असिस्टिव डिवाइस एंड उसको कैसे हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी. असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस, दीज आर स्पेशल सिस्टम विच आर डिजाइन टू असिस्ट पीपल विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पज सच इज यूजिंग टेलीफोन्स, वॉचिंग, लिसनिंग टू टीवी, डोरवेल, अलार्म क्लॉक एक्सेट्रा. दे ऑल द रेंज फैसिलिटीज ऑडिटरी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ. दे रेफर टू सिस्टम दैट इन्हांस ओनली द सिग्नल साउंड which is useful for the person and not the noise while transmitting amplified sounds directly to the listener with hearing impairment. Transform sound into visual or vibrational signals. जब भी hearing aid हम use करते हैं और अपने environment sound को हम सुनना चाहते हैं, तो hearing aids भी बहुत तरह के होते हैं. कोई hearing aid analog होता है, कोई digital होता है, कोई semi-digital होते हैं. तो हमें कभी कभी देखा जाता है कि problems होते हैं कि TV का आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, doorbell का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, telephone का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है. तो यहाँ पर हमें assistive device काफ़ी help करते हैं, यानी कि telecoil. आप किसी किसी hearing aid में देखोगे कि उसमें स्विच जो होते हैं T होते हैं. तो टी स्विच क्यों होता है? टी स्विच इसलिए होता है कि वो असिस्टिव डिवाइस के द्वारा टी पर रख करके हम जो टेलीफोनिक का आवाज़ जो होता है उसको नॉर्मली सुन करके रिप्लाई कर सकते हैं. हम उसका अपने रोज़मर्रा के चीज़ों में कर सकते हैं. इंफ्रारेड वेव होता है, जिसके लाइट से, जिसके साउंड से, वाइब्रेशन से, विजुअल से हम टीवी का आवाज़ या अदर कोई आवाज़ को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं. मैम, क्या हम कह सकते हैं कि हियरिंग एड और असिस्टिव डिवाइस दोनों हम साथ में यूज़ कर रहे हैं, या देर इज़ एनी सच डिफरेंस बिटवीन दैम? डिपेंड ऑन द पर्सन, बिकॉज कोई कोई जो होते हैं उनको हियरिंग लॉस तो होता है, लेकिन वो टेलीफोन का आवाज़ हियरिंग एड से ही अच्छे से सुन लेते हैं. बिकॉज इन हियरिंग एड ऑल्सो देर इज स्विच मेड फॉर द टेलीकॉइल या अदर साउंड से. कोई कोई जो होते हैं उनको हियरिंग लॉस नहीं होता है, वो सिर्फ बोलेंगे कि मुझे टेलीफोन का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, या टीवी का आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, या नॉइजी सिचुएशन में सुनाई नहीं दे रहा है. तो उनके लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं वो असिस्टिव डिवाइस ही प्रोवाइड करते हैं, जिसके द्वारा वो जो ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको वो ठीक कर सकें. Ma'am, there is any such difference between hearing aid and assistive device? There is difference, because there is little types. It is there because intra loop is there. I'll just tell you the type, and from hearing aid only you can solve that the intensity. Okay, which intensity you want to hear, that intensity ka hearing it you will get. But from assistive device you are going to correct the media things. That means from that, if you are having problem by hearing of mobile phone, by hearing of telephones and other kind of problems you are having, so from that you can going to solve the problems. So there is, of course there is difference, but we can use together with hearing aid itself. Second, I'm going to tell you about sound enhancement technology. Sound enhancement technology system used to assist in the reception of sound. Example, person and group hardwire system, infrared system, loop induct system and frequency modulation system. In this system, microphones picks up sound and convert it into another form of energy and amplifier, then increase the intensity of the signal. Lastly, a receiver convert the amplifier signals back into acoustic energy so that the person with hearing impairment can hear it. अभी आप देखोगे एक टाइप जो है इंडक्शन लूप सिस्टम.
what induction loop system is doing. Induction loop system, the amplifier electrical signal is made to run through a loop or wire which may be enclosed in the wall of the room or worn as a neck loop by the user. The electromagnetical field generated around the wire can be picked up by the hearing aid kept at T. यानी हियरिंग एड में ही एक स्विच होता है जो कि केप्ट एट टी टेलीकॉइल पोजीशन एंड रिकन्वर्टेड टू एम्पलीफायर साउंड विच द पर्सन विद हियरिंग एड कैन हियर. यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हियरिंग एड में ही हियरिंग एड में अगर देखोगे तो स्विच होते हैं टी. इसको टी स्विच पर रखते ही क्या होगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगा टेलीफोनिक साउंड इनटू द जो कि आप पॉकेट में रखे हुए या जहाँ भी रखे हो तो उसके नियर आपको टेलीफोन को टच करना होगा बिकॉज दैट हियरिंग एड इज योर ईयर. तो अगर जो पॉकेट मॉडल का हियरिंग एड आप रखे हो तो एट फर्स्ट आपको ज़रूरत है कि उसके स्विच को टी पर रखने का, फिर आपको टेलीफोन को माइक्रोफोन के पास ले जाना है. माइक्रोफोन से जो साउंड होगा उसको पिक करके आपको उसको कन्वर्ट करेगा और असिस्टिव डिवाइस के द्वारा आपको मदद मिलेगा साउंड को अच्छे से ट्रेवल करने में और सुनने में. जैसे कि आप देखोगे दिस सिस्टम हैज़ बीन इंस्टॉल at ticket booking counter of railway station in some of the major cities of India. This would enable the person with hearing impairment to hear accompaniment made over the microphone without being disturbed by the noise. अब आप देखें group hearing aids. Group hearing aids are generally used in classroom of special school for children with hearing impairment. The teacher has microphone with her. The amplifier signal is fed to earphone worn by the children sitting at their desk. Each amplifier desk headset has a volume control adjustment on it or the desk. There are microphones fixed to the desk so that whatever is spoken by one child can be heard by the other. यानी कि ग्रुप हियरिंग एड सिस्टम होते हैं. इसमें क्या होता है कि जब क्लासरूम में ग्रुप स्टडी कराया जाता है हियरिंग एम्पेयर्ड को, उसमें माइक्रोफोन जो होते हैं टीचर्स के पास रखे जाते हैं और हर एक बच्चे को सिस्टम दिया जाता है जिसमें कि उसके पास ईयरफोन होते हैं. ईयरफोन में ही वॉल्यूम कंट्रोल होते हैं और इसी के द्वारा हर एक डेस्क पर एक माइक्रोफोन दिया जाता है जिसमें कि टीचर को टीचर जब बच्चे बोलते हैं तो हर एक बच्चे का आवाज़ एक दूसरे को आता है और बच्चे टीचर भी उसके द्वारा कंट्रोल करते हैं अपने वॉल्यूम को और आवाज़ का आदान प्रदान होता है जिसके द्वारा क्लासरूम एक्टिविटी उसको कराया जाता है. हियरिंग एड बच्चे के लिए स्पेशल ये डिवाइस असिस्ट किया गया है. नेक्स्ट जो देखेंगे एफएम सिस्टम. एफएम सिस्टम आर प्रोबेबली द बेस्ट सिस्टम टू कंफर्ट द इफेक्ट ऑफ नॉइज एनवायरनमेंट. यानी कि नॉइज एनवायरनमेंट में अगर जो किसी को प्रॉब्लम होता है तो एफएम सिस्टम के द्वारा इसको क्योर किया जाता है. द साउंड सिग्नल इज पिक्ड अप बाय द माइक्रोफोन एम्पलीफाइड एंड कन्वर्ट इंटू ए रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर कैरियस वेव्स. They are transmitted to a personal receivers worn by the person with hearing impaired. The receiver convert the signal to audible sound. This system provide very good sound clarities even in the presence of room noise. FM system, however, FM system जो है वो जैसे कि provide किया जाता है साउंड को कन्वर्ट करने के लिए और साउंड को काफ़ी अच्छा उसका क्लियरिटीज़ होता है. बट वन ड्रॉबैक जो है इसमें ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए हमें काफ़ी इकोनॉमिकल स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है. बट इट इज़ क्लियरिटीज़ इज़ वेरी गुड एंड मीडिया में जैसे कि आप रेडियो के साउंड को पिक करने के लिए या जो भी हो एफएम साउंड्स को यूज़ किया जाता है. मैम हम इसको किस बेसिस पे क्लासिफाई, लाइक जैसे आपने पहले हमें टाइप्स बताया था हियरिंग इम्पेयरमेंट का, तो ये जो सिस्टम्स हैं ये क्या उस बेसिस पे भी क्लासिफाई किए जा सकते हैं कि हम सेंसो न्यूरल जो था उसमें हम ये सिस्टम्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ ऐसी क्लासिफिकेशन
लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि मैं आपको बताई थी एफएम सिस्टम मैंने बताया, उसके पहले जो मैंने बताया था ग्रुप हियरिंग एड सिस्टम, उसके पहले लाइक इंडक्शन लूप सिस्टम। तो आप देख रहे हो जैसे कि एफएम सिस्टम है, अगर जो नॉइजी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स होती है तो दे कैन गो फॉर लाइक एफएम सिस्टम्स के थ्रू उसको कवर किया जाता है। अगर क्लासरूम में सारे बच्चों को अलग अलग टाइप का हियरिंग लॉस है और टीचर उसको एजुकेट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर्स को प्रॉब्लम होंगे कि किस इंटेंसिटी में वो बात करे, किस लेवल में बात करे जिसके द्वारा हर एक बच्चे को प्रॉब्लम हो। तो उसमें ग्रुप हियरिंग एड जो है ये काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरा जो मैंने बताया था टेलीकॉइल जो ट्रांसमिशंस का थे, तो अगर जो उनको टेलीफोनिक आवाज़ में प्रॉब्लम होगा तो दे हैव टू गो फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इन्हांसमेंट ऑफ द साउंड। सेकेंड, अगर जो ग्रुप क्लासरूम में प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप हियरिंग एड। इफ़ दे आर प्रॉब्लम हैविंग इन द नॉइजी सिचुएशन देन दे कैन गो फॉर द एफएम सिस्टम। ओके, तो दे हैव टू अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दे आर हैविंग अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन डिवाइड इट एंड दे कैन गेट द फैसिलिटी। Now, infrared system. In infrared system, the sound picked by the microphone is converted into the infrared light wave, which are then dispersed throughout the listening environment. A special receiver is worn by the listener, which converts this light wave back to sound. This system will give sound clarity, but the drawback including cost. Now, television enhancement technology. Television enhancement technology equipment is used to improve auditory perception of a television signals. Also, capture decoding can be done. They include different type of device. Some of they are target to improve sound quality for the listener. Infrared system can be used for the purpose. Closed captions decoded are the useful as they convert all spoken language on a TV into visual which can be read on a TV screen. Okay, telecommunication technology system used to enhance telephone communication, text telephone built in portable amplification and induction loop system. This induction system device to make communication over the FM telephone easily for the person with hearing impairment. A person aid uses can keep his person hearing aid on T position or listening over the telephone. तो मैं आपको यहाँ पर जो भी असिस्टिव डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे इंडक्शन लूप सिस्टम, ग्रुप हियरिंग एड और एफएम सिस्टम के द्वारा कैसे इन्हांस किया जा सकता है आपके हियरिंग में, अगर जो आप टेलीफोनिक में वार्तालाप करने में नहीं ठीक से हो पा रहा है तो कैसे आप हियरिंग एड को टेलीकॉइल पर पहुंचा करके आप कैसे बात कर सकते हैं, इंफ्रारेड पर कैसे कर सकते हैं, एफएम सिस्टम के द्वारा कैसे आप उसको इन्हांस करके यानी कि मॉडिफाई साउंड को कैसे मॉडिफाइड कर करके आप मीडिया के द्वारा अच्छे से अपने साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट में जो मैंने आपको बताया था टेलीविजन साउंड्स को, जैसे टेलीविजन साउंड कभी कभी होता है कि वॉल्यूम कंट्रोल या अदर साउंड्स को, तो इसके द्वारा इंफ्रारेड सिस्टम जो होता है उसके द्वारा काफ़ी बेनिफिट पहुंचती है। मैम जैसे कि आपने बताया तो इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती होगी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमें स्विच ओवर करना पड़ता है एक मोड से दूसरे मोड तक। सो आफ्टर अप्लाइंग द असिस्टिव डिवाइस विद द हियरिंग एड और विदाउट एनी हियरिंग एड, तो हमें एक ट्रेनिंग पीरियड की भी ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को। एक्चुअली जब हियरिंग एड लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं असेसमेंट के थ्रू पेशेंट हमें बताते हैं कि उन्हें किस टाइप का प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं और कैसा प्रॉब्लम का वो समाधान चाहते हैं, यानी कैसे उनका सॉल्व हो प्रॉब्लम। तो उसी समय जो आफ्टर हियरिंग एड ऑडियोलॉजिस्ट जब उनको काउंसलिंग करते हैं उसी समय उनको बताते हैं कि आपको अगर जो टेलीफोन पर प्रॉब्लम हो रहा है तो हियरिंग एड में जो स्विच होता है टी स्विच होता है, या फिर जब आपको एफएम स्विच यानी कि जो भी स्विच में कन्वर्ट करना चाहते हो तो थ्रू द काउंसलिंग उनको ट्रेंड किया जाता है कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके उसको ठीक कर सकते हो।
And ma'am, as it is, you said ki very expensive hote hain ye devices, so there are not any such devices for which can be affordable for normal people or jo rural background mein jo log hote hain unke saath agar aisi koi problem hoti hai to wo kya ye isko use karne ke liye matlab debarred reh jate hain ek tarah se? Nahi, jaise ki maine aapko bataya kuch system expensive hote hain, jaise FM system jo hai wo expensive hai, in jo induced loop system hai wo expensive hai, but hearing aid jaise pocket model hearing aid है वो expensive नहीं है, उसमें भी आपका T coil होता है जैसे कि आपको problem नहीं होंगे, उसको आप convert कर सकते हो. तो there are few system that is not expensive और उसके द्वारा भी आप assistive device का काफी लाभ उठा सकते हैं. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि पॉकेट मॉडल जो हियरिंग एड होता है उसके साथ हमें असिस्टिव डिवाइस का यूज़ करना जो कि कम एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज ये बीटी में भी अवेलेबल होता है और सारे हियरिंग एड्स में एक सिस्टम असिस्टिव डिवाइस के होते हैं. जैसा कि अब हमने असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में जाना कि कितने टाइप्स के असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं और क्या क्या उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम उसको बेसिकली जितने भी मीडिया से हमें जब कांटेक्ट करना होता है, जैसे लाइक हमें टेलीफोन साउंड सुनना होता है या टेलीविजन साउंड सुनना होता है या डोरबेल का साउंड सुनना होता है, तो हम उस कंसर्न में एक असिस्टिव डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं. इट कैन बी यूज विद द हियरिंग एड और विदाउट एन हियरिंग एड. एंड कुछ पार्ट्स इसके जैसे स्कूल में हम यूज़ करते हैं, तो स्कूल स्पेशल स्कूल्स में जब हम यूज करते हैं तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस. मैम प्लीज कंटिन्यू फर्दर. ओके, अभी जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो टाइप ऑफ क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन डिवाइस. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कौन कौन सा डिवाइस कर सकते हैं क्लासरूम में, तो सबसे पहले हार्ड वायर सिस्टम, FM सिस्टम, इंफ्रा रेड हियरिंग एड सिस्टम एंड इंडक्शन लूप सिस्टम. ओके, other assistive devices, alternating and alarming device, then there is doorbell indications, telephone ringing device, alarm clock device. अभी देखोगे common fault of hearing aid, ये सारा जो आपका था assistive device के बारे में, अभी common fault hearing aid में क्या है, no sound from the aid, यानी कि हियरिंग एड में अगर जो कोई साउंड नहीं आता है तो दैट इज़ कॉमन फॉल्ट. फीडबैक और साउंड फ्रॉम द हियरिंग एड, यानी कि कोई भी विस्पर साउंड अगर जो आता है तो हियरिंग एड्स में प्रॉब्लम हो रहा है, असिस्टिव डिवाइस में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. वीक साउंड फ्रॉम द हियरिंग एड, अगर जो साउंड हियरिंग एड से कम साउंड आ रहे हैं, डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं, इमिटेशन साउंड्स हो रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे, हमने बातें की हियरिंग एड के बारे में, असिस्टिव डिवाइस के बारे में, अब हमें कॉमन काउजेस क्या हो सकता है दोनों में ये देखना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर जो हियरिंग एड से साउंड नहीं आ रहा है, दूसरा हम देखेंगे कि अगर जो साउंड विस्पर साउंड आ रहा है, काफ़ी साउंड जो है डबल साउंड आ रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हियरिंग एड के, दैट इज इंडिकेशंस हो रहा है कि हियरिंग एड को चेक कराने की ज़रूरत है, हियरिंग एड्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. तो मैम इसको करेक्ट किया जा सकता है हियरिंग एड को, उसी में हम मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या वी हैव टू चेंज द हियरिंग एड आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम? हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि बहुत लोग क्या होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, वो क्या करते हैं कि जब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हियरिंग एड्स में बैटरी कंपार्टमेंट होती है, तो लीकेज ऑफ बैटरी या फिर बैटरी ख़त्म हो जाने के बाद भी अगर जो वो चेंज नहीं करते हैं, उसी को लगाने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि साउंड काफ़ी वीक हो जाता है, कम साउंड आने लगता है और उन्हें लगता है कि हियरिंग एड खराब हो गया है. एक्चुअली उस समय हियरिंग एड खराब नहीं होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हियरिंग एड को हियरिंग एड में जो बैटरी होती है उनको चेंज कराने की जरूरत होती है. तो मैम मिनिमम ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो क्या ड्यूरेशन होना चाहिए? इट्स यूज़ ऑफ द हियरिंग एड ऑल्सो, अगर जो आप मिनिमम 4 या 8 आवर्स यूज़ करते हैं तो आपको विद इन वीक, एक सप्ताह में आपको हियरिंग एड की बैटरी को चेंज करने की जरूरत होती है. मैम लाइक जैसे आपने पॉकेट साइज वाले बोला, तो फॉर द ऑडियंस इज इट एक्सपेंसिव टू चेंज फ्रीक्वेंटली इतना मेंटेनेंस, और ये मतलब बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है बार बार बैटरी चेंज करवाना है? हाँ, लेकिन अब आजकल जैसे कि AIJ NIHH में भी जब हियरिंग एड दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू फ्री हियरिंग एड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वहाँ पर रिचार्जेबल बैटरी भी देते हैं जो कि सोलर के द्वारा, धूप के द्वारा उसको रिचार्ज कर सकते हैं. तो इन दैट केस यू कैन गेट दोज हैट्रिक, जो वो रिचार्जेबल ले सकते हैं जो सोलर के द्वारा रिचार्ज कर सके, तो वहाँ पर आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे, आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे.
वैसे हमें इसको फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए, प्रिकॉशंस रखनी चाहिए इसके, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा सोलर नहीं है, धूप नहीं है, फिर भी वो बैटरी को रख दी और सोचते हैं चार्ज हो गया, लाइक ड्यूरिंग दिस सीजन, जैसे कि विंटर में जैसे धूप नहीं आती है तो फिर मतलब ऐसी बैटरीज का थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है. उन्हें चाहिए कि हम ऑल्टरनेटिव जरूर रखें बाहर की बैटरी, और अदरवाइज बहुत ज्यादा सन हो उस समय हम 4 घंटे के लिए सोलर बैटरी का जो चार्ज है उसमें रख दें, और जब पूरा चार्ज हो जाए तभी उसका इस्तेमाल करें. कंटिन्यू. हियरिंग एड केयर, हम अपने हियरिंग एड का केयर कैसे कर सकते हैं? हियरिंग एड शुड बी केप्ट इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस. इट शुड नॉट बी लाइक एक्सपोज एंड एक्सटेंड टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइजर. यानी हियरिंग एड का हम केयर कैसे कर सकते हैं, इसमें आप देखोगे तो इसको बिल्कुल ड्राई जगह पे रखना चाहिए और ज़्यादा हीट जगह पे नहीं रखना चाहिए, मॉइस्चराइजर्स पे नहीं रखने चाहिए, बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, हमेशा स्विच ऑफ रखना चाहिए. बिकॉज अगर जो आपने हियरिंग एड को निकाल के रख दिया, आप हियरिंग एड को नहीं पहने हो, फिर भी अगर जो उसका स्विच ऑन है तो हो सकता है कि बैटरी को ख़त्म होने, आपको समय से पहले बैटरी ख़त्म हो जाए. उसके बाद आपको देखना चाहिए कि बैटरी का आपका लीक नहीं कर रहा हो, जो माइक्रोफोन है वो आपके क्लोथ में नहीं टच करे. हियरिंग एयर जब भी लगाएं तो ईयर मोल्ड जो है वो ज़रूर लगाएं, और अपने जो फिजिकल यानी कि ईयर मोल्ड को जो है वो डैमेज जब होता है तो उसको चेंज कर लें. यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि आप अपने हियरिंग एड का कैसे केयर कर सकते हैं. हियरिंग एड आप जब भी लगाएं तो सबसे पहले देखें कि वो कभी ऐसा नहीं हो कि धूप में रख दें, वो नहीं करने की ज़रूरत है आपको. सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि हियरिंग एड को कोई मॉइस्चराइजर जगह पर नहीं रखना है, बैटरी लीकेज हो रही है तो उसको तुरंत चेंज कराएं. और दूसरा जो है, जब भी हियरिंग एड्स में डबल नॉइज़ आ रहा है, डबल टोन आ रहा है, तो आपको ज़रूरत है कि जहाँ से आपने हियरिंग एड लिए हैं उसको दिखाएं. हियरिंग एड को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आग के पास ले जा के रखें, वो सारा चीज़ नहीं रखना चाहिए. डस्टी एरिया में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए. जब भी हम हियरिंग एड लगाते हैं तो ईयर मोल्ड का ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि ईयर मोल्ड नहीं लगाने से साउंड इन्हांस नहीं कर पाते हैं, और जब भी ईयर मोल्ड ख़राब होते हैं तो उसे कृपया चेंज करा लें. जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था असेसमेंट ऑफ हियरिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फॉर द पेशेंट्स ऑफ फॉर द पर्सन्स हु आर हियरली इम्पेयर्ड, हमने इस पर बहुत हियरली इम्पेयरमेंट की बात करी, टाइप्स ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस एंड एड्स की बात करी, क्या क्या चीज़ें सोसाइटी में पेरेंट्स को टीचर्स को कंसर्न रखने चाहिए इस बारे में बात करी. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ प्रीशियस नॉलेज विद अस. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने आएंगे. टिल देन गुड बाय.